हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजीएस लॉ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिविल प्रोसेसर कोड के एमसीक्यूज। एंड गाइस, यू नो इट दैट हरियाणा का जुडिशरी का जो पेपर है, इट्स ऑलरेडी बीन लाइंड अप एंड देयरफॉर वी हैव टू कवर एमसीक्यूज। एंड आई अश्योर यू कि जो हम लेक्चर आज कर रहे हैं, इसमें ऑलमोस्ट हम 150 क्वेश्चंस करेंगे और विल बी कवरिंग टिल द फॉरेन जजमेंट। एंड इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं, आपके इतने सारे डाउट्स जो होंगे, आई मीन रिलेटेड टू द सेक्शंस, आई एम श्योर के वो सारे डाउट्स अब क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ सिविल प्रोसेसर कोड। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप द स्क्रीन विजिबल। हाँ जी यामिनी, अर्चना, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, देखो बेसिकली क्या है, मैं आज जो ये एमसीक्यू करा रहा हूँ, इनमें ही मैं आपको जितने भी सेक्शंस कवर हो रहे होंगे उन सेक्शंस के बारे में भी बताता चलूंगा। इट्स नॉट जस्ट सिंपली आके मैं एमसीक्यू करा के आपको कंप्लीट करा दूं। ये लगभग 150 क्वेश्चंस है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बेरेट का भी यूज करूंगा, क्योंकि बेरेट से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे आने वाले इनमें क्वेश्चंस में आप देखोगे रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज, ऐसा नहीं कि सिंपली मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 10 में रेस सब्जुडाइज है या सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा है। उसके अंदर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड आई श्योर अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज, फॉरेन जजमेंट और उससे पहले भी जो प्रोविजन है इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी डेफिनेशन जहाँ दे रखे सेक्शन 2 में, वो जो डेफिनेशन भी है वहां से अंदर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे डिग्री जो है वो कहाँ पे डिफाइन है, उसके अंदर क्या क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। ओके गाइस, सो लेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज सिविल प्रोसेसर कोड। अब इसके कुछ बेसिक, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं, तो सबको कवर करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आंसर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, बट ट्राई टू जस्ट थिंक फर्स्ट कि पहले आप उसका आंसर अपने मन में सोचे, देन ओनली ट्राई टू सी दैट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट द सीपीसी बिकम ऑपरेटिव। तो आई थिंक ये तो क्वेश्चन सबको पता ही होगा, कब से ऑपरेटिव हुई है सीपीसी? That is from 1909. अब इसके कुछ डेट्स हैं, ये याद रखना। वैसे तो 1908 की है, but is effective from 1st of January 1909. Okay, आगे चलते हैं। The Code of Civil Procedure Code contain how many orders? अब अगर आप सीपीसी को पढ़ेंगे, और इसलिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें हमने ऑलरेडी लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, इसमें ओवरव्यू कवर किया था, तो वो दोबारा बार बार ओवरव्यू कवर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको देखिए और इससे रिलेट कीजिए। जो जरूरतों की चीजें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें ऑलरेडी पता है कि सीपीसी के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें सेक्शंस हैं, सेक्शन जो है 1 to 158 है, एंड दैट इज डिवाइडेड इंटू ऑर्डर्स ऑल्सो। वी हैव 51 ऑर्डर्स एंड हर एक ऑर्डर के अंदर रूल्स हैं। ओके, रूल्स हैं। तो सीपीसी के अंदर कितने ऑर्डर्स हैं? दैट इज अ 51 ऑर्डर्स हैं। नाउ सीपीसी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। अब ये एक्सेप्ट टू जम्मू एंड कश्मीर तो हर जगह से हटाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सीपीसी जो है अप्लाई कहाँ नहीं होती है? अभी भी वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अगर आप जब बेरेट को पढ़ेंगे तो बेरेट में क्या लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन निकाल सकती है, राइट? किस चीज का नोटिफिकेशन निकाल सकती है? कि जो सीपीसी का प्रोविजन है किसी पर्टिकुलर पार्ट, स्टेट ऑफ नागालैंड के पार्ट पे ट्राइबल एरिया में भी अप्लाई हो सकता है। एम आई राइट? हाँ जी, बेरेट आपके पास है या नहीं है? देखो मैंने तो चीजें पढ़ी हुई है और आप लोगों ने भी पढ़ी हुई है, बट फिर भी आप बेरेट जरूर साथ रखेंगे। जो चीज जरूरत की है वो मैं आपको बताता चलूंगा बेरेट से भी, इतना ही ध्यान रखें काफी रहेगा इसमें, ठीक है? आगे चलते हैं। तो वहां लिखा हुआ भी है नोटिफिकेशन यानी स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है। नाउ डिक्री अंडर सेक्शन, अब डिक्री कहाँ डिफाइन है? दैट इज डिफाइन अंडर सेक्शन 2 का 2 में डिफाइन है, देख लेते हैं का यहाँ पे लिखा ही है 2 का 2। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो डेफिनेशन जहाँ दे रखी है सेक्शन 2 में है, सेक्शन 2 में कितने डेफिनेशन है, हाउ मेनी? तो ये है 20, एक बार देख लेते हैं बेरेट। ओके, 20 है, 2 to 20 तक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? ये 2 का जो 1 है वो किसमें डील करता है? वो बताता है कोड। कोड का मतलब क्या होता है? कोड में क्या इंक्लूड किया गया? कोड में रूल्स,
ठीक है, कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो अब ये डिक्री की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डिक्री कहाँ है, 2.2 में डिफाइंड है। डिक्री क्या होती है, सारी चीजें आपको बेरेट से ही मैं आपको, और इस विधि एमसीक्यू सॉल्व भी हो जाएगा। अच्छा डिक्री होता क्या है वैसे, डिक्री अगर आप सेक्शन 2.2 के डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, डिक्री जो है इट इज अ फॉर्मली एडजुडिकेट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। क्या करती है वो, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन राइट्स ऑफ द पार्टीज को निर्धारित करती है। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वर्ड है फॉर्मल एक्सप्रेशन, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन दो जगह यूज हुआ है। ये आपका डिक्री में भी यूज हुआ है, और कहां यूज हुआ है बताइए जल्दी क्विकली, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑर्डर्स में भी यूज हुआ है, ये आपका जजमेंट में यूज हुआ है नहीं हुआ है? नो सर, जजमेंट में यूज नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखनी आप लोगों को। ओके, सो फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री एंड ऑर्डर में तो यूज हुआ है, लेकिन जजमेंट में यूज नहीं हुआ है। वो क्यों, अभी मैं इसका कारण भी बताऊंगा जजमेंट में क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि जजमेंट में जो है कोर्ट अपनी ओपिनियन भी देता है। जजमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, लेकिन अल्टीमेटली डिक्री जो होती है, डिक्री में इट इज अ फॉर्मली एक्सप्रेस्ड होती है, क्योंकि डिक्री एक या दो पेज की हो सकती है हार्डली। उसमें तो सिर्फ यही बताना है कि ए को बी को पैसा देना 10,000, 20,000, 30,000 वट एवर इट इज, फॉर व्हाट पर्पस ए अप्रोच टू द कोर्ट। अल्टीमेटली जो डिसीजन आया है उसका फाइनल निर्णय क्या निकल कर आया है, कंक्लूजन। तो डिक्री क्या होती है, which is conclusively determines the rights of the party, यहाँ लिखा हुआ भी है conclusively determines the rights of the party, यानी दो parties के बीच में ultimately उनके rights को निर्धारित करती है, जो भी controversy रही होगी, that is called decree। Order कहाँ दे रखा है, order है आपका 214 में। जो decree नहीं है वो order है, जो decree नहीं है वो order है, ठीक है। और judgment क्या होता है, judgment में एक word use हुआ statement, ठीक है, statement यानी रीजन, रीजन ऑफ द डिक्री और रीजन ऑफ द जजमेंट, रीजन ऑफ द डिक्री, रीजन ऑफ द जजमेंट। जजमेंट कहाँ दे रखा है, 2K9 में। जजमेंट कहाँ दे रखा है, 2K9 में। डिक्री कहाँ दे रखा है, 2K2 में। और अगर डिक्री 2K2 में दे रखा है, अगर डिक्री जो है 2K2 में दे रखा है, तो डिक्री होल्डर कहाँ दे रखा होगा, 2K3 में दे रखा है, उसी के बाद की तो बात है, ठीक है, 2K3 में, क्योंकि डिक्री दे रखा 2K2 में। और डिक्री होल्डर कौन होता है, जिसके फेवर में डिसीजन आता है, जिसके फेवर में डिसीजन आता है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 2-3 में, क्या डिक्री होल्डर जो होता है, क्या सिर्फ वो इंसान होता है जिसके फेवर में डिसीजन आता है? आंसर इज, और भी इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, ठीक है। वो बेरेक में आप देखोगे नॉट ओनली डिक्री होल्डर ही जिसके फेवर में है, वही नहीं है, और कोई और इंसान भी हो सकता है। कौन हो सकता है, अगर आप अपना बेरेट निकालिए जल्दी से क्विकली, क्या लिखा है वहां पे, डिक्री होल्डर कौन है, ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ये सारे टर्मोलॉजी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन वो इंसान भी होगा जिसके फेवर में डिक्री को कैपेबल भी किया जा सकता है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू द पर्सन जो कोर्ट में गया था, जिसने कोर्ट में सुप्लेन फाइल किया था, वही नहीं होगा, बट इट कैन बी कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, वो भी कवर होगा। आगे आएंगे इसी तरीके के क्वेश्चन। और अगर मैंने आपको ये बताया कि ऑर्डर क्या होता है, सॉरी जजमेंट क्या होता है, जजमेंट कहाँ दे रखा है, 2K9 में। जब जजमेंट 2K9 में दे रखा है, तो जजमेंट डेटर कहाँ दे रखा होगा, 2K10 में दे रखा होगा, ठीक है। जजमेंट डेटर जो है वो 2K10 में दे रखा है। तो ये याद करने का तरीका है, क्योंकि मेजर डेफिनेशंस अगर आप याद कर लोगे तो उससे रिलेट करके और भी चीजें याद हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन आपके जो हमारे 2 से लेकर 220 जो डेफिनेशंस है, इनमें से कोई भी आ सकती है। दो चार ऐसी है जो किसी काम की नहीं है, उनको छोड़ दें तो कम से कम 7-8 डेफिनेशन ऐसी है जो आएंगी आपके पेपर में, आ सकती है, आती है, और कॉन्सेप्ट भी आता है इनका अंदर से भी। अब डिग्री कहने से ही तो डिग्री थोड़ी ना पता लग जाएगा डिग्री क्या है, इसके अंदर के जो एसेंशियल्स हैं वो आएंगे आपके एमसीक्यूज में, तो ठीक है। आगे चलते हैं,
इसका आंसर हमने क्या देखा, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी, उसको हम डिक्री बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, वो डिक्री होती है, आंसर इज ए. नाउ डिक्री मींस एन ऑर्डर एजुडिकेटिंग क्लेम्स. डिक्री का मतलब क्या होता है, एजुडिकेशन तो होना ही चाहिए, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन, इनफॉर्मल थोड़ी ना होता है, गलत लिख रखा है पहली बात तो भी ये. और देखते हैं आगे क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन, वर्ड आ गया फॉर्मल, अभी बताया था, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, एनी एजुडिकेशन, ऐसा एजुडिकेशन फ्रॉम विच द अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं होता है, डिक्री में इंक्लूड नहीं होगा अपीलेबल ऑर्डर्स. ठीक है, अपीलेबल ऑर्डर्स इंक्लूड नहीं होता है तो वो डिक्री नहीं होता. अपीलेबल ऑर्डर्स कहाँ होते हैं, ऑर्डर नंबर 43, रूल नंबर 1, सेक्शन नंबर 104, इसको ऐसे ही करके पढ़ना. ठीक है, समझ में आ रहा है, दैट विल नॉट इंक्लूड अपीलेबल ऑर्डर्स. अब सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डिक्री, डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन, बिल्कुल होना चाहिए, द डिटरमिनेशन मस्ट बी ऑफ कंक्लूसिवली नेचर, बिल्कुल निर्धारित किया जाना चाहिए, जिस पर्पस के लिए हम कोर्ट में आए हैं वो चीज तो निर्धारित होना चाहिए ना, एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट. ठीक है, और अल्टीमेटली कैसे स्टार्ट होता है, डिक्री कब आएगी, देखो मैटर जो स्टार्ट होता है वो प्लेन से स्टार्ट होता है, मैटर स्टार्ट होता है प्लेन से, खत्म होता है डिग्री पे, और अल्टीमेटली डिग्री का क्या कराया जाता है, एग्जीक्यूशन कराया जाता है. ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन ऑर्डर नंबर 21 हैज टू बी रेड विद द सेक्शंस, इसके कुछ सेक्शंस भी है वो भी मैं बता दूंगा आगे. ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव होंगे, चारों हो जाएंगे. नाउ डिग्री कैन बी, कैसी हो सकती है, प्रिलिमिनरी, फाइनल, फर्स्ट प्रिलिमिनरी, देन फाइनल, इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, कोई भी हो सकती है. मैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मीन्स प्रॉफिट. सुना ये वर्ड, हाँ जी, यस सर, लिखा है 212, ठीक है, 2 का 12 मीन्स प्रॉफिट होता क्या है, हाउ मेनी यू आर अवेयर अबाउट, कितनों को आप लोगों को ये पता है कि मीन्स प्रॉफिट एग्जैक्टली होता क्या है, हाँ जी बताइए जल्दी से, कौन बता सकता है, प्रॉफिट रिसीव, कॉन्सेप्ट बताना मुझे, कॉन्सेप्ट बताना मुझे, रटे रटाई भाषा नहीं चाहिए, अगर आप लॉजिक लगा लेंगे तो रट भी लेंगे, अगर आप लॉजिक लगा, कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप उसका आंसर और याद भी कर पाएंगे, वो रटे रटाई लैंग्वेज नहीं चाहिए, रॉन्गफुल पोजीशन वगैरह वो नहीं चाहिए मुझे, है क्या ये मीन्स प्रॉफिट. सर सपोज ए इज इन द रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच बिलोंग्स टू बी, देन ड्यूरिंग दैट during his wrongful possession, whatever profit is being earned by A or whatever profit which he might have earned, that is means profit. Okay, देखो मैं एक example देता हूँ, ठीक है आपका answer. अब जैसे आपने A और B का example दिया, एक A है और एक B है. इसको अभी हमने recently TPA पढ़ा था तो उससे समझ लेते हैं, ठीक है TPA से समझ लेते हैं. TPA में suppose करो A एक mortgager है, ए जो है मॉर्टगेजर है, बी कौन है, मॉर्टगेजी. अब मॉर्टगेजी ने क्या करा है, मॉर्टगेजर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी, इमोवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है बी के पास, एज अ सिक्योरिटी रखवाई है. लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था, जरूरी नहीं होता कि प्रॉपर्टी को बी के पास पोजेशन में भी हो. अब लेकिन हुआ क्या, ए ने पैसा देने से मना कर दिया, जो उसने लोन लिया था अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी, ए ने पैसा देने से मना कर दिया. अब जब ए ने पैसा देने से मना कर दिया तो बी के पास क्या राइट होता है, व्हाट इज द राइट बी हैविंग बीइंग अ मॉर्टगेजी, बी के पास क्या राइट है, हाँ जी, फोरक्लोजर, या तो वो सेल कराएगा या फोरक्लोज कराएगा, क्योंकि इसका ए का राइट तो रिडीम का होता है ना, ए का राइट होता है रिडीम, वापिस लेने का, बी का राइट क्या होता है, फोरक्लोज का होता है. ठीक है, फोरक्लोज, ये फोरक्लोजर के लिए जाएगा. अब बी ने डिक्री कोर्ट से ले ली फोरक्लोज कराने की, बी ने एक डिक्री ले लिया अगेंस्ट ए के, इसका राइट फोरक्लोज किया जाए, अब ये अपना रिडीम नहीं करा पाएगा.
लेकिन अभी भी पोजेशन किसके पास है, इवन आफ्टर द फॉरक्लोजर डिक्री ऑफ द फॉरक्लोजर स्टिल ए हैविंग द पोजेशन, अभी भी पोजेशन किसके पास है, ए के पास है, ए अभी भी जगह खाली नहीं कर रहा है, ये जगह किसके पास होनी चाहिए थी, बी के पास होनी चाहिए थी, तो हु इज इन द रॉन्गफुल पोजेशन, ए इज इन द रॉन्गफुल पोजेशन, गलत कब्जे में है ये। अब ए जो है अगर इस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट रिसीव करता है, वर्ड क्या लिखा है, एक्चुअली रिसीव्ड, क्या लिखा है, अगर मींस प्रॉफिट पढ़ोगे तो एक्चुअली रिसीव्ड, अब कहां लिखूं जगह भी नहीं बची, एक्चुअली रिसीव्ड ए आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एक्चुअली रिसीव्ड और विच ही कुड हैव रिसीव्ड बाय ड्यू डिलिजेंस, अगर ए थोड़ी सी भी मेहनत करता तो वो जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है जो उसके ए के पोजिशन में है वो कुछ अर्न कर लेता, कुछ अर्न कर लेता, दो चीजें, एक्चुअली रिसीव्ड और ही कुड अर्न, ठीक है, माइट हैव अर्न, जैसे क्या नाम है आपका जिसने अभी बोला था, यामिनी, ठीक है, तो यामिनी ने जो बताया था वो भी ठीक है बिल्कुल, तो जो ए अर्न कर लेता या ए अर्न कर सकता था। अब एक चीज बताइए, ये जो प्रॉपर्टी है रॉन्गफुल पोजिशन ए के पास है, ये होनी किसके पास चाहिए थी, बी के पास, अगर ये बी के पास होती तो बी भी तो अर्न कर रहा होता उससे, कुछ ना कुछ तो आता, तो अल्टीमेटली अब जब ये वापस देगा, अब जब ए जो अपना प्रॉपर्टी वापस देगा किसको देगा, बी को जब देगा कोर्ट के डिसीजन पे, जब ये वापस देगा तो मींस प्रॉफिट में हम क्या मांगते हैं, पोजेशन भी, अगर हमने सूट फाइल किया है फॉर द पोजेशन प्लस मींस प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट दोनों चीज मांगी हमने, पोजेशन भी दिलवाइए जनाब और मींस प्रॉफिट भी दिलाइए। तो अब एक बात बताओ, कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी वापस देता है, सपोज करो ए ने अपनी प्रॉपर्टी वापस दे दी है, ए के पास जो प्रॉपर्टी थी वो बी को वापस दे देता है बाद में, लेकिन दो साल तक ये रॉन्गफुल पोजेशन में रहा, तो दो साल तक क्या बी को, अगर बी क्या पता यहाँ पर खेती करके कुछ प्रॉफिट कर लेता, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बी कितना प्रॉफिट करता वो मैटर नहीं करता है, ए ने जितना किया प्रॉफिट या ए जितना कर सकता था वो प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, वो किसको मिलना चाहिए, वो बी को मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए ना, ठीक है, तो बी को मिलना चाहिए, तो इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, मींस प्रॉफिट बोलते हैं, और इसको कोई भी मैसने वैसने मत बोलना आज के बाद, या तो मीन बोलना या मींस प्रॉफिट बोल देना, ठीक है, मैसने मत बोलना, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हाँ जी, क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, मींस प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन मींस का है, ठीक है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मींस में आता है, 20 नंबर का भी आ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द ए, ए ने जो भी प्रॉफिट रिसीव किया वो, और या थोड़ी सी मेहनत करता तो मिल जाता उसको प्रॉफिट, किसको, ए को, लेकिन बी को उसने डिप्राइव्ड किया प्रॉपर्टी से, उसी की प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड कर दिया, गलत कब्जे में बैठा रॉन्गफुल पोजीशन में, तो जो प्रॉफिट ए को मिला है, जो एक प्रॉफिट ए को प्रॉफिट मिल सकता था वो बी क्लेम करेगा, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक और चीज भी है, मींस प्रॉफिट में, अब सपोज करो उसी जमीन पे ए ने, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उसी जमीन पे ए ने, इट वॉज एन एग्रीकल्चर लैंड थी उस जमीन पे, ये उसका एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें ए ने क्रॉप उगा ली थी, ठीक है, क्रॉप उगाई थी, इस क्रॉप से ए को प्रॉफिट हो रहा होगा ना, बेच के खाता होगा वो, प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये क्रॉप किसको जानी चाहिए, अल्टीमेटली देखा जाए तो बी को जानी चाहिए थी, क्योंकि जमीन है। अब सपोज करो लेकिन ए ने इस क्रॉप को उगाने के लिए यहां से एक चैनल बनाया था, चैनल मतलब वो सिंचाई करने के लिए, ठीक है, देयर वाज अ चैनल फॉर द इरीगेशन पर्पस। अरे ये तो मेरे को लग रहा है मैं मेंस के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आई हैव टू कट इट। तो इरीगेशन पर्पस से उसने यहाँ पर एक चैनल बनाया था, ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना ट्यूबवेल बनाया था, ट्यूबवेल भी बोल लीजिए, जिससे पानी जाएगा, यहाँ कोने में ट्यूबवेल बनाया, इसमें खर्चा किसका हुआ, हाँ, बी रिकवर करेगा वो पैसा, नो वो रिकवर नहीं होगा, तो इम्प्रूवमेंट मेड बाय होम, इम्प्रूवमेंट मेड बाय ए, तो वो प्रॉफिट में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट्स में नहीं आएगा।
अब लेकिन एक बात बताओ, अगर ए ने, अब ए के पास जमीन रही 2 साल तक रॉन्गफुल पोजेशन में, ए के पास जमीन रही, लेकिन अब आ गए टैक्स वाले, कॉर्पोरेशन आ गए, भैया टैक्स दो। वैसे तो एग्रीकल्चर पे टैक्स वैक्स कम ही लगता है या नहीं भी लगता है, मान के चलो कोई और सिचुएशन में टैक्स वाले आ गए, ए ने टैक्सेस पे कर दिए, तो क्या ये टैक्सेस ए डिडक्ट करके, जब मींस प्रॉफिट की बात आएगी तो मींस प्रॉफिट में से ये जो टैक्सेस हुए होंगे तो बी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बी को पे करने पड़ेंगे, नहीं पे करने पड़ेंगे जो ए ने पे कर दिए थे? यस सर, करने पड़ेंगे। तो ये भी टैक्सेस इस तरीके से ट्रीट होगा, जैसे मानो ये ट्यूबवेल इम्प्रूवमेंट हो, तो ही हैज नॉट टू अल्टीमेटली, अब ये जो है टैक्सेस का भी अमाउंट ए डिडक्ट करके देगा। ओके, टैक्सेस का अमाउंट ए डिडक्ट करके देगा। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मींस प्रॉफिट। अब इससे ज्यादा और क्या समझोगे? कुछ बचा है इसमें? समझ में आ गया मींस प्रॉफिट? लैंडलॉर्ड क्या चैलेंज कर सकता है मींस प्रॉफिट फ्रॉम द टीनेंट? बताइए, क्या लैंडलॉर्ड मांग सकता है टीनेंट से मींस प्रॉफिट दो? यस सर। अरे बताइए जल्दी से, कम ऑन, 150 क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो लग जाएगा। टीनेंट अगर रॉन्गफुल पोजीशन में तो उसे मांगेगा ही, बिल्कुल एग्जांपल लिखना है इसमें, ठीक है? लैंडलॉर्ड भी मांगेगा, क्योंकि जिस दिन टेनेंसी खत्म हुई उस दिन से जो टीनेंट है वो रॉन्गफुल पोजीशन में हो जाता है। रॉन्गफुल पोजीशन में है जो प्रॉफिट कर सकता था या प्रॉफिट एक्चुअली रिसीव्ड, उसके लिए जो हमारा लैंडलॉर्ड होगा वो मींस प्रॉफिट मांगेगा। ओके, और एक चीज और मैं बताता हूँ, जब पोजीशन वापस मिलना है तो पोजीशन ही वापस दे के चला गया ना ए, तो ए ने तो 2 साल बाद पोजीशन दे दिया, तो पोजीशन मिलने से क्या बी को कोई फायदा मिल रहा है? चलो उसकी प्रॉपर्टी थी वापस मिल गई, लेकिन 2 साल उसकी प्रॉपर्टी से उसको दूर रखा गया, जो दूर रखा गया वो जो प्रॉफिट तूने कमाया है वो मुझे दे। ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड फर्दर, 150 क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट जहां जाएंगे वहां बताता रहूंगा, ठीक है? ओके, सो सीपीसी रिकॉग्नाइज व्हाट? दो चीजें हैं, प्रिलिमिनरी भी होती है, फाइनल भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। अब आपको मुझे एक बात बताइए, क्या मींस प्रॉफिट में 1 डिग्री पास होगी, 2 डिग्री पास होगी? सर 2 होगी, लेकिन कब होगी? अगर आपने सिर्फ, अच्छा मींस प्रॉफिट ही मांगा है तो भी 2 डिग्री पास हो सकती है। कैसे? से फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोर्ट क्या करेगी, प्रिलिमिनरी डिग्री दे देगी, किस चीज की? पोजेशन दीजिए भाई, पहले ए को कहेगी कब्जा दो तुम, हमें नहीं पता, पहले कब्जा दो बी को, ठीक है? पोजेशन मिल जाएगा, लेकिन अब इसको कब्जा तो मिल गया बी को कब्जा तो मिल गया, लेकिन बी को क्या प्रॉफिट मिला? अभी टाइम लगेगा, उसमें क्या होगी, इंक्वायरी होगी, जांच पड़ताल होगी कि ए ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना प्रॉफिट कमा सकता था, उसके लिए क्या होगा, तब वो जब डिसाइड होगा तब होगी फाइनल डिग्री। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, पोजेशन और मींस प्रॉफिट के लिए दोनों डिग्री पास हो सकते हैं, पहले प्रिलिमिनरी फिर फाइनल होगी, ठीक है? और फाइनली जब कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी क्या होती है, अभी बहुत चीजें बाकी है, वेट कीजिए, पोजेशन तो मिला है, अभी मींस प्रॉफिट बाकी है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिग्री। आगे चलते हैं, कम ऑन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सीपी में, दोनों तीनों चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया, आंसर इज डी, इज दैट क्लियर? नाउ डिग्री इज प्रिलिमिनरी, कब डिग्री प्रिलिमिनरी कहलाती है, व्हेन इट इज यूज्ड टू इन अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द सूट, व्हेन द फर्दर, मैंने अभी आपको बता भी दिया, फर्दर प्रोसीडिंग मतलब अभी तो ए ने पोजेशन ही दिया है, अभी तो मींस प्रॉफिट भी लेना है, तो जो पोजेशन दिया है अभी फर्दर प्रोसीडिंग बाकी है, ठीक है? तो आंसर इज बी। ओके गाइस, नाउ डिग्री बिकम्स फाइनल व्हेन, डिग्री फाइनल कब हो जाएगी, डिग्री फाइनल कब होती है, व्हेन इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, जब वो फाइनली डिटरमाइन कर देगी राइट्स ऑफ द पार्टी। अरे मैं तुम्हारे पास जो आया हूँ, जस्ट आपके पास क्या करने आया हूँ, मुझे पोजेशन भी चाहिए, मींस प्रॉफिट भी चाहिए, जब मेरी दोनों चीजें डिसाइड हो जाएंगी, That would be considered as conclusively determine rights of the parties. ठीक है, और एक चीज, ऑप्शन पूरे पढ़ लेते हैं, नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, आपको पता ही होगा जब कोई डिग्री आती है और आपने उसकी अपील नहीं करी वो फाइनल हो जाती है, am I right? Yes sir. तो ये भी ठीक है, बी भी ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं, तो आंसर हमारे पास निकल के आ गया सी, लेकिन जल्दबाजी मत करना, ठीक है?
जल्दबाजी में तो आंसर यही लगा देते, आप गोला बना देते पहली एडवांस में, अगर ओएमआर शीट है तो पहले पढ़ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, ऐसा होता है अक्सर, गोला पहली बना दिया बाद में देखा इसका आंसर तो सी था, होती है अक्सर ये मिस्टेक, मुझसे भी हुई है बहुत बार हुई है। ठीक है ओके ना, प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी पास इन अ सूट, प्रिलिमिनरी डिग्री कब जा सकती है? देखो अभी मैंने कोई एग्जांपल, देखो ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब पार्टीशन में होता ही नहीं होता, पार्टनरशिप में होता ही नहीं होता है, अरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होगी तो पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी, उसके बाद क्या होगा पूरी एसेट्स कैलकुलेट होगी, फिर जाके वो पूरा क्लोज होगी पूरा चैप्टर, तो इसमें भी होती है, पार्टीशन में होता ही नहीं होता है, कौन बता सकता है पार्टीशन में दो तरीके की डिग्री होगी या नहीं होगी, कौन बताएगा? सर होती है ऑर्डर 20 में लिखा हुआ है। देखो पार्टीशन में दो डिग्री क्यों होंगी, लॉजिक बताइए मेरे को बेरेट मतलब नहीं है, लॉजिक लगाओ, बेरेट तो खुद याद हो जाएगा, क्यों होती है पार्टीशन में दो, प्रिलिमिनरी और फाइनल? देखो पहले कोर्ट क्या करती है, पोजीशन दे देती है, ठीक है कोर्ट पोजीशन दे देती है, उसके बाद कहती है कि भाई कोई बात नहीं अभी फॉर द टाइमिंग जो डिसाइड हुआ है, अभी हम क्या करेंगे मीट्स एंड बाउंड्स से हम इसको काउंट करेंगे, तो मीट्स एंड बाउंड जब डिसाइड होगा तब जाके पार्टीशन में प्रिलिमिनरी और फाइनल दोनों आ सकती है, तो इसमें ठीक है, तो पार्टीशन में प्रिलिमिनरी फाइनल आती है उसके बाद फाइनल आती है अक्सर, तो आंसर इज डी। आगे चलते हैं, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिक्री मींस एंड इंक्लूड्स, क्या कवर होता है डिक्री में? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बिल्कुल होगा, विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter and controversy in the suit, bilkul theek hai first do, an adjudication from which an appeal lies, an adjudication which an appeal lies as appealable order, decree hoti hai kya, are nahi abhi padha tha upar, theek hai ye to decree ho hi nahi sakta, order 43 ka decree hai, answer is no, theek hai, any order of dismissal of the suit ये भी नहीं होता, अब एक बात बताओ ये डिसमिसल ऑफ द सूट कहाँ पड़ा है आपने, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप डिक्री के डेफिनेशन पढ़ोगे, डिक्री क्या है 2K2 में है, उसको ध्यान से जब पढ़ोगे तो उसमें नीचे लिखा है डिक्री क्या होती है, एक तो डिक्री की बात करी है, फिर बात करी है उसने डीम डिक्री, ठीक है, और उसके बाद क्या बात करी है, उसने बात करा डिक्री नॉट इंक्लूड्स, अगर आप नॉट इंक्लूड तक पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा डिक्री क्या होती है और डीम्ड डिक्री क्या होती है, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 डीम्ड डिक्री होती है, उसमें लिखा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और लिखा होगा सेक्शन 144, बेरेट आप खोलिएगा मैं नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है बेरेट चेक करते चलिए आप लोग, क्योंकि ये चीज तो रटी होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 दैट इज कॉल्ड डीम्ड डिक्री रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, और अगर हम बात करें सेक्शन 144 ये होता है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन होता क्या है, अरे अगर एक और बी के बीच में डिस्प्यूट था, मामला 30,000 कोर्ट ने डिसाइड करा है, 30,000 कोर्ट ने ए के फेवर में डिसीजन दिया, तो बी के पास जो प्रॉपर्टी थी वो किसके पास जाएगी, ए के पास चली गई, लेकिन बी ने अपील कर दी कहां पर, हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में जब अपील करी हाईकोर्ट ने डिसीजन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, अरे जब रिवर्स कर दिया तो ए की प्रॉपर्टी अब कहां जाएगी, वो किसके पास जाएगी वापस, बी के पास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144, ये भी डीम्ड डिक्री होता है, ओके okay, लेकिन क्या नहीं होगा डीम्ड डिक्री, क्या नहीं होगा, हाँ जी क्या क्या चीज नहीं होगी, ये दो चीजें अपीलेबल ऑर्डर्स और ये मैंने ऑलरेडी काटे मार रखे हैं दो, अपीलेबल ऑर्डर और डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, अपीलेबल ऑर्डर कौन से होते हैं, देखो चलो मेरे को आप एक चीज बताइए, अपीलेबल ऑर्डर, अच्छा ये जो आपका जो ऑर्डर है क्या कहते हैं इसको, अपीलेबल ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स होते हैं क्या इनकी सेकंड अपील होती है, क्या अपीलेबल ऑर्डर्स की, क्या ऑर्डर्स की सेकंड अपील होती है? नो सर, there is no, बड़ा बड़ा काम, बट क्या डिक्री की सेकंड अपील होती है? यस सर, ठीक है, और सारे ऑर्डर के अपीलेबल है क्या? नो सर,
बिल्कुल ठीक है. कौन से ऑर्डर अपीलेबल है? विच आर मेंशन इन ऑर्डर 43 रूल 1. हाँ जी, ऑर्डर 43 रूल नंबर 1 एंड सेक्शन 104, इनको दोनों को साथ पढ़ेंगे. ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना. तो वो क्या डिक्री कहलाएगी? आंसर इज नो. लेकिन एक बार बताइए मुझे, अगर मैं कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कौन सा सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? अगर हिंदू लॉ की बताएंगे तो आप, हिंदू मैरिज एक्ट. ये जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, क्या ये डिक्री है या नहीं है, या ऑर्डर है ये? तो ये ऑर्डर है, इट इज अ डिक्री. ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो डिक्री का रूप भी ले लेते हैं, तो ये आपको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, इट इज अ डिक्री ऑफ द कोर्ट. अब डिक्री क्या होती है ये समझ लीजिए पहले. डिक्री होता क्या है? डिक्री होता है जहां पर आपके राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है. अब ये एक बात बताओ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है कि भाई साहब किसी की अगर वाइफ चली गई घर छोड़ के, या हस्बैंड छोड़ के चला गया है, उसे वापस बुलाया जाए, तो क्या उस इंसान का अधिकार, किस चीज का अधिकार? कंजुगल यानी साथ रहने का अधिकार कोर्ट डिसाइड कर रही है नहीं कर रही है? हाँ जी, तो इसलिए ये डिक्री है या ऑर्डर है? ये है तो ऑर्डर, लेकिन तब भी डिक्री है ये. तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, इट कुड बी, यू कैन से इट इज एन एक्सेप्शनल फॉर्म, लिखा ऑर्डर है लेकिन तब भी वो डिक्री है. ओके, और हम बात करें डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट. डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कौन है? डिफॉल्टिंग पार्टी है प्लेंटिफ. सूट फाइल कर दिया है, प्लेंट फाइल कर दी है, लेकिन खुद ही नहीं आता है, डिसमिस हो गया डिफॉल्ट, डिसमिस एंड डिफॉल्ट हो गया. तो क्या यहाँ पर इस इंसान का, प्लेंटिफ का राइट डिसाइड हो गया क्या? नो सर. इसका राइट डिसाइड हो गया? अरे अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई, अभी तो प्लेंटिफ फाइल करी थी, थ्रेशोल्ड पे ही डिसमिस हो गई. क्यों? क्योंकि तुम ही नहीं आए, प्लेंटिफ ही नहीं आया, तो ये तो यहीं पे डिसमिस हो गई. जब डिसमिस हो गई, राइट डिसाइड तो हुआ नहीं, तो कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ डिक्री? नो सर. नो. ठीक है, अब इसके बीच में डिक्री में कुछ नहीं बचा. आपने क्या पढ़ लिया? दो पॉइंट ये पढ़ लिए, दो पॉइंट इसके डिक्री ना होने के पढ़ लिए. अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. डिसमिसल ऑफ द सूट डिक्री नहीं होता है. रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट होता है? बिल्कुल होता है, ये तो हमारी डीम डिक्री है. सर इस सी रख लियो. यस सर. अंडर सीपीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? Conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matter in the controversy. ठीक है, decree can be partly preliminary. बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. This would not include any adjudication from which an appeal lies as an appealable order. अच्छा लिखा है not include, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आधा पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आंसर D है. ओके गाइस, आधा पढ़ना, अच्छा टाइम ज्यादा लगाना. और एक चीज मैं बता दू, हरियाणा में 125 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होता है, और ये पेपर 125 क्वेश्चन हार्डली 1.5 घंटे में हो जाते हैं. हार्डली कह रहा हूं मैं, 1.25 घंटे में भी हो जाते हैं, क्योंकि जिनको आता है ना वो आराम से करके बैठ जाते हैं. तो आप क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत टाइम है, 2 घंटा मोर देन इनफ होता है. और जिसका पेपर 125 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं हो रहे ना, इसका मतलब उसे लॉ नहीं आता, उसे आता ही नहीं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ नहीं होता है, ईजिली हो जाते हैं. ठीक है, हाँ अगर मैं मानता हूँ कि 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन दिल्ली वाले जो है उसको करना टफ टास्क है, दैट इज टफ, वो डिफिकल्ट है. बट 125 2 घंटे में करना, इट्स अ वेरी इजी टास्क. तो आराम से पढ़ना. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वन लाइनर होते हैं, सिर्फ एक ही लाइन में है. जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इसी तरीके का नेचर होगा. 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन बहुत बड़े हो सकते हैं, बट दिल्ली की तरह पेपर नहीं आता है, क्या बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आपके पास काफी टाइम है. मैक्सिमम आप 1 आवर 45 मिनट्स में इसको इजीली कर ही लेंगे, कोई भी बच्चा कर लेगा जो जिसको कानून अच्छे से आता है, जो प्रैक्टिस करके गया है. तो अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्री, कौन सा डिग्री नहीं है, इनमें से कौन सा डिग्री नहीं होगा? डिसमिसल ऑफ द सूट ये पढ़ चुके हैं, तो डिग्री नहीं होता है. रिजेक्शन
डीम डिक्री होता है तो ये तो नहीं होगा. डिसमिसल ऑफ द सूट इन डिफॉल्ट एंड रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट. डिसमिसल ऑफ द सूट इन डिफॉल्ट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाया है उन्होंने. अच्छा इसमें दो बातें कर दी तो ये नहीं होगा. तो आंसर इज ए होगा. ठीक है लेट्स मूव फर्दर. दैट इज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन नॉट अ डिक्री. ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट डिक्री होता है दिया. अब इनको कुछ चीजों को अभी फॉर द टाइम बीइंग आप याद कर लीजिए क्योंकि हर चीज पे जाऊंगा ना डिटेल में तो ये हमारे 700 से 800 क्वेश्चन सीपीसी के कंप्लीट नहीं होंगे. बट कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा. बट जो जो चीजें मुझे लगेगा बताने वाली मैं बता दूंगा. ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ सूट. अबेटमेंट ये और नहीं ऑफ होगा ये. ठीक है ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ द सूट ये डिक्री होता है. ठीक है ध्यान रखना है क्वेश्चन आ सकता है. डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड ये भी क्या होगा ये. ओके ओके सॉरी सॉरी इट्स नॉट अ डिग्री. ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्री. डिग्री नहीं है. ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट इज नॉट अ डिग्री. डिसमिसल ऑफ अपील एज अ टाइम बार्ड इज नॉट अ डिग्री. ठीक है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस. Rejection of a plane for non-payment of the court fees. अरे यार क्या हो गया सॉरी. ओके दोबारा से पढ़ते हैं. Which of the following does not a degree. में से कौन सी डिग्री नहीं है. ये डिग्री है. Dismissal of appeal as a time but degree है. Rejection of a plane for non-payment of the court fees. Order number 7 rule number 11 में क्या है ये deemed degree है. तो degree ही होती है वो. अब कौन सा नहीं है. Answer is D. Order refusing to setting aside a sale. ठीक है पूरा क्वेश्चन. एक तो होता है ना जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो उससे ना दिमाग घूमता है. मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है ऑनलाइन. ओके सो बट ध्यान रखना ये अबेटमेंट ऑफ द सूट डिक्री है. डिसमिसल ऑफ द सूट टाइम बार्ड भी डिक्री होगा. और ये रिजेक्शन ऑफ लेन डीम डिक्री है. और रही बात आखिरी वाला ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल. अब एक चीज देखना आप यहाँ लिखा है बट ऑर्डर तो आप ऐसा नहीं कि ऑर्डर पढ़ लें तो ऑर्डर समझ जाएं कि भाई नहीं तो डिक्री हो ही नहीं सकता. तो कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जो डिक्री भी होंगे. ठीक है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिग्री. नॉट अ डिग्री अंडर सीपीसी. कौन सा डिग्री नहीं है. रिजेक्शन ऑफ प्लेन फॉर नॉन पेमेंट ये तो डीम डिग्री हो जाता है. एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ द सूट नॉट अ डिग्री. ठीक है आंसर इज बी. आंसर इज बी ये डिग्री नहीं है क्योंकि कहां दे रखा है ये टू के टू में दे रखा है ना excluding definition जो है. Now which of the following determinations does not come under the definition of the degree. कौन सा निर्धारण या determination degree की definition में नहीं आएगा. An adjudication which conclusively determines the rights of the party with regard to some of the matter in this. बिल्कुल degree है. Rejection of a plaint degree. अच्छा एक बात बताओ rejection of a plaint और return of plaint what is the difference. दोनों में क्या फर्क है. रिजेक्शन और रिटर्न ऑफ द प्लेंट व्हाट इज द डिफरेंस. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिग्री डीम्ड डिग्री अंडर सब अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट इज जब लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है तो कोर्ट रिटर्न कर देती है टू फाइल द सूट इन अ प्रॉपर. हां जी एक वर्ड यूज होगा यहां पे प्रॉपर कोर्ट. ठीक है ऑर्डर नंबर 7 रोल नंबर 10. ओके जब कोर्ट कहती है भाई हमारे पास तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है आप एक काम कीजिए आप गलत आ गए आप 30,000 ही आ गए आपको जाना कड़कड़ दूंगा क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ की है शादरा की है. ठीक है ओके सीमा. तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ द प्लेंस. तो रिटर्न कर दी जाएगी आप गलत जगह आ गए हैं यहाँ नहीं बनता आपका जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कहाँ पे शादरा में और पार्टीज कहाँ की है शादरा की है दोनों पार्टी. आप 30,000 क्या कर रहे हैं 30,000 में तो करोलबाग जैसे सेंटर के मैटर आएंगे तो दैट विल बी रिटर्न ऑफ द प्लेंट. और लेकिन रिजेक्शन है वो डीम्ड होती है. ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 इसके ग्राउंड्स जरूर याद कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. सर हाँ जी. इन केस जैसे चेक मार्कर हो लाइक किसी का अगर बिजनेस वहां है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलग लॉज है. ठीक है वो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है. ठीक है वो उसमें कई अलग चीज हैं वो बड़ा एक टेक्निकल है. आई एक्सप्लेन जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे उसको. okay. कई बार सीपी से नहीं वहां पे स्पेशल दे रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में. नाउ डिटरमिनेशन ऑफ एनी सूट. और वैसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिमिनल मैटर का है
ठीक है, तो उसका अलग से ही हमारे को वहां पे दे रखा है कि वो कैसे चेक बाउंस होगा और जहां पे उसका अकाउंट है, ठीक है, वो चीजें भी है, बहुत सारी चीजें उसमें. नाउ डिटरमिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीपीसी, ये हमने बात करी ली है. ये क्या है, रेस्टिट्यूशन, तो क्या होगा, ये भी डिक्री होगी. डिसमिसल ऑफ सी फॉर डिफॉल्ट, ये डिक्री नहीं होता. तो आंसर इज बी हो गया, ठीक है. ये गलती से लग रहे हैं कई बार, ठीक है, जल्दबाजी. Okay, now decree shall be deemed to include the rejection of a plaint and determine any of the question within the section 144. क्या decree shall be deemed to include, ये माना जाएगा rejection of plaint बिल्कुल होता है, and the determination बिल्कुल, ये बात सही है, answer is right, ठीक है, B answer होगा इसका. What will be the nature of the order passed by the court rejecting the plaint? अगर court reject करती है plaint for non-payment of the court fees, आपने कोर्ट फीस नहीं पे करी, कोर्ट रिजेक्ट कर देगी, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं डिक्री, डीम डिक्री. ओके, आंसर इज ए. प्रीलिमिनरी डिक्री नहीं होगी, फाइनल नहीं होगी, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर भी नहीं होगा, आंसर इज ए. नाउ सूट फॉर द पार्टीशन, सूट फॉर पार्टीशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्री, आई मीन द सूट ऑफ पार्टीशन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज. मैंने अभी ये तो हम कर ही चुके हैं, इसमें दोनों डिक्री पास हो सकती है, ठीक है, पार्टीशन में, बोथ ए एंड बी. Now under section, under CPC, decree does not include, क्या नहीं include होगा, थोड़े easy question आ गए, concept clear हो गए तो easy लगेंगे ही. Does not include return of the plaint, ठीक है, return of the plaint अभी बताया भी था, order number 7, rule number 10. Return of the plaint, order 7, rule number 11, section 144, restitution, order for the rest, okay, देखो ये था वो concept जो मैं बता रहा था आपको. An order to the restitution of conjugal right. क्या होता है ये? Order है, decree है? It is a decree. अच्छा बताइए, order of the abatement of the suit? Decree. Abatement of suit? Decree. अच्छा एक बात बताइए, अगर court ये decide करती है कि आपकी cast क्या है? What is your cast? You are not falling in this cast. आप तो किसी और cast से हैं. What is this? ये सूट जो है, ये मामला कैसा है, सिविल नेचर का है, नहीं है? No, not a civil nature suit. It is not a civil nature because purely caste की बात कर रहे हैं, ठीक है, purely caste. ये भी हम बात करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है, एकदम से माइंड में पता नहीं कहां से आ गया बीच में. चलो आगे चलते हैं, तो इसका आंसर है हमारा डी. नाउ टर्म अवार्ड एंड डिक्री इज यूज्ड टू डिनोट, वैसे कहीं इसकी डेफिनेशन दे रखी है क्या? आंसर इज नो. क्या हमारे इन 2 से 20 तक के बीच में, 2, 1 से लेकर 20 के बीच में क्या अवार्ड एंड डिक्री की डेफिनेशन है? कहीं कहीं नहीं दे रखी है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है. इज यूज्ड टू डिनोट ऑर्डर ऑफ द कमीशन, क्या होगा, और इज यूज्ड टू डिनोट ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर पास वाइल, क्योंकि डिक्री वर्ड यूज हुआ है. ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट, आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है. इंडस्ट्रियल कोर्ट जो है ट्राइब्यूनल, ये भी अवार्ड देती है. कोऑपरेटिव कोर्ट्स, कोऑपरेटिव कोर्ट ऐसे कोई है नहीं, और वो भी अगर देगा तो अवार्ड होगा क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं. फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो आंसर तो वैसे इसका सी ही लग रहा है, अदरवाइज क्योंकि इसमें ज्यादा चीजों को कवर किया है, ठीक है, क्योंकि ये डिक्री नहीं देती है. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिक्री नहीं देता, कलेक्टर डिक्री नहीं देता है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हो, इसी वजह से आंसर सी है. Now, which of the following is or are decrees? Order of the abatement of the suit, decree है. Dismissal of appeal as time barred. अब देखो time barred हो गया है. देखो ये decree क्यों है? Dismissal of appeal as time barred. अरे time जब खत्म हो गया है और court ने dismiss कर दिया है, तो ultimately अब आपका right खत्म हो गया ना, क्योंकि आप court में भी नहीं जा पाएंगे, time barred हो गया, तो आपका right determine हो जाएगा, वही मान लिया जाएगा जो आपका आप नहीं कर पाए, तो वो वही बात खत्म हो जाएगी. That's why it is called decree. Now dismissal of suit from the want of evidence, that is also called decree. ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना. देखो जो जो चीजें आ रही है ना, उसको माइंड में रख लेना. Sir. All above the above, ठीक है? Sir. हाँ जी. तो ये want of jurisdiction और want of evidence, ये क्या होता है? Want of jurisdiction होता है जब आपके पास jurisdiction नहीं है, तो अगर court बेसिकली अगर कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तब भी उसने डिसाइड कर दिया है, तो डिक्री होती है नल्टी.
अभी पढ़ेंगे हम रेजुडी कार्टा वगैरह में पढ़ते हैं सारी चीजें, डिग्री ऑफ नलिटी। एक मैगजीन पे कोरम नॉन, मैं भी दिखा भी दूंगा इस क्वेश्चन में आया हुआ है, तो उससे संबंधित है। वॉन्ट ऑफ ज्यूरिशन के कोर्ट का ज्यूरिशन नहीं था, कोर्ट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, कोर्ट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट, वॉन्ट ऑफ ज्यूरिशन के कोर्ट का ज्यूरिशन नहीं था, द कोर्ट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। एंड इफ एनी डिग्री पास बाय द एनी डिग्री पास बाय द कोर्ट हु इज नॉट हैविंग द ज्यूरिशन, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ नलिटी। ठीक है, उसको एक वर्ड और बोलते हैं, नॉन एस्ट भी बोलते हैं। नॉन एस्ट इसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट माना जाता है कि वो डिग्री डिग्री नहीं है। ओके, नॉन एस्ट। नाउ डिग्री मींस एनी पर्सन इन हूज फेवर अ डिग्री हैज बीन पास्ड। डिग्री होल्डर की बात आ गई, डिग्री होल्डर कहाँ दे रखा है हमने, टू के थ्री में दे रखा है, राइट? तो अब देखो इसके मीनिंग समझो, डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है, मीन इन हूज फेवर डिग्री हैज बीन पास्ड, जिसके फेवर में, और ऑर्डर, डिक्री का जो ऑर्डर आया है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एज बीन मेड। जरूरी नहीं है कि जो इंसान ने सूट फाइल करा, जिसने सूट फाइल करा था वही डिक्री होल्डर होगा, अरे उसके बच्चे भी तो हो सकते हैं, नहीं होंगे? अरे अल्टीमेटली मानो डिक्री होल्डर मर गया तो क्या वो उसका फायदा उसके बच्चों को नहीं मिलेगा क्या? हाँ जी मिलेगा। ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, समझ में आ रहा है? और यही चीज जजमेंट डेटर में लिखा, बिल्कुल सेम कॉपी है, वहां पे भी लिखा है कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। तो डिस डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, दो के तीन में दे रखी है। नाउ डिग्री होल्डर मींस नीड नॉट बी अ पार्टी टू द सूट, बिल्कुल सही बात है, अरे बच्चे थोड़ी ना करते सूट फाइल, अल्टीमेटली अगर उसको बेनिफिट पहुंच रहा है तो। द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू द प्लेंटिफ, तो आंसर इसका दोनों हो जाएगा। बड़ा सही क्वेश्चन है, घुमा देगा माइंड, आपको लगेगा कि डिग्री होल्डर तो वही होना चाहिए पार्टी टू द सूट, आंसर इज नो। तो द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिफ ओनली, प्लेंटिफ नहीं है, कैपेबल भी वर्ड यूज किया है, कैपेबल वर्ड यूज हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूट, तो आंसर इज इसका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ, और जहां तक 14 तक तो बिल्कुल अच्छे से हमारे, ये मान के चलो हमने बेरेट भी पढ़ लिया एक एक पॉइंट से, तो 5-6 दिन लगेंगे इसको मैं पूरा सीपीसी को कवर करने में। आई थिंक उससे बेस्ट कोई अप्रोच नहीं हो सकती, अगर मैं सीधा आपको बैरेट पढ़ा देता तो आपके पर कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते जितने एमसीक्यू से होते हैं। अंडर सीपीसी फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है, फॉरेन कोर्ट दे कहाँ रखा, ध्यान देना जरा डेफिनेशन पे, 2 का 5 और सेक्शन 13 2 का 6, ये है फॉरेन कोर्ट, ये है फॉरेन जजमेंट। और अगर हम बात करें इससे संबंधित सेक्शन कहाँ है, 13 में, 14 में, और कोई बता सकता है इसके आगे की बात में क्या करना चाह रहा हूँ? इतनी सेक्शन है क्या फॉरेन कोर्ट से संबंधित पूरे सीपीसी में? अरे अगर फॉरेन कोर्ट की जजमेंट आ गई तो एग्जीक्यूट भी तो कराओगे, सेक्शन 44 और 44A नहीं देखोगे क्या? हाँ जी, फॉरेन कोर्ट की अगर कोई जजमेंट है, इंग्लैंड में कोई कोर्ट बैठी है उसने जजमेंट दे दी है, तो उसको एग्जीक्यूट तो कराएंगे हम इंडिया में या नहीं कराएंगे? Yes, sir. एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास एग्जीक्यूशन के सेक्शन भी तो देखने पड़ेंगे। और ये जो देखो, पहले तो हमने बात करी फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 13, व्हेन इट वुड बी कंक्लूसिव, कब होगी वो? देखो डेफिनेशन तो नेगेटिव लिखी हुई सेक्शन 13 में, व्हेन इट विल नॉट कंक्लूसिव, लेकिन मैं उल्टा बता रहा हूँ कब कंक्लूसिव होगी और कब बाइंडिंग होगी। उसमें 6 बातें हैं, वो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, 6 बातें हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे भी। सेक्शन 14 प्रेजम्पशन है, कैसा प्रेजम्पशन है, वर्ड क्या यूज किया है जल्दी बोलिए, ये रिबटेबल प्रेजम्पशन होता है, रिबटेबल, ठीक है, रिबटेबल क्या होता है, कैसा प्रेजम्पशन होता है, मे शैल है, मे, हाँ जी पक्का, यस सर। तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि अगर आपने फॉरेन कोर्ट की जजमेंट यहाँ लगाई है, सर्टिफाइड कॉपी लगा दी है, तो वो फॉरेन जजमेंट क्या होगी, मान के क्या चलेगी इंडिया की कोर्ट, कि वो अपने आप में कंक्लूसिव होगी, आई मीन अपने आप में वो वैलिड होगी, ठीक है, तो कोर्ट में मान के चलेगी। फॉरेन कोर्ट क्या होती है, 2 बातें ध्यान रखना, फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट है जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, आउटसाइड द टेरिटरी लिखा होगा ना वर्ड कहीं, ओके, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। एंड दूसरी चीज क्या लिखा है, जो हमारे केंद्र सरकार के कंट्रोल में नहीं है, केंद्र सरकार के
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ रही है. पढ़िए, फॉरेन कोर्ट मीन्स द कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्थापित ना किया हो. तो आंसर इज बी उचित है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो ये मत करना डी और सॉरी सी मत लिखना, अ कोर्ट सिचुएटेड इन इंडिया अप्लाइंग फॉरेन लॉ, ऐसा कुछ नहीं है हमारा. ठीक है, बेरेट पढ़ते रहिए साथ साथ. फॉरेन जजमेंट क्या होती है? जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, जो इंडिया की जज कोर्ट नहीं दे रही है वो फॉरेन जजमेंट हो जाएगी. अंडर 2(5) ऑफ सीपीसी, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू ब्रिंग अ कोर्ट विद इन द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन कोर्ट. फॉरेन कोर्ट में आने के लिए क्या क्या चीज सही होंगी? द कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है. द कोर्ट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. द कोर्ट मस्ट नॉट कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो आंसर इज डी. नाउ द फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट. कहीं लिखा है क्या? बी में लिखा है, जजमेंट गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट. आसान से है क्वेश्चन कुछ. जज क्या होता है? जज जो प्रिसाइड करता है, ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट अंडर, ये कौन से सेक्शन में है? ये 2(8) में दे रखा है, ठीक है, 2(8) याद रखना. बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार देख लेते हैं. जज मींस प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द सिविल कोर्ट. कहां पे प्रिसाइड करता है? सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट में. 2(8) जजमेंट डेटर मींस. अच्छा एक बात बताइए, क्या आईपीसी वगैरह में भी जज की डेफिनेशन है क्या? हाँ जी, यस सर, यस सर, सेक्शन 20. बेरेट निकाल के लाइए, जाइए बेरेट निकालिए, कम ऑन. 19, ठीक है, ध्यान रखिए जरा, गड़बड़ इतनी नहीं होनी चाहिए. सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट, ओके, यस सर. तो ध्यान रखिए, छोटी मोटी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए. एक नंबर चार नंबर का है वहां पे. नाउ जजमेंट डेटर मींस, जजमेंट डेटर का मतलब क्या होता है? अभी बताया भी था, जिसके अगेंस्ट डिग्री आई हो. बोरोअर द बैंक नहीं, डिफेंडेंट नहीं, पर्सन अगेंस्ट हुम डिग्री इज पास, जिसके अगेंस्ट हुई है. कंफ्यूज मत हो जाना डिफेंडेंट को लेके, ठीक है. क्या पता डिग्री तो भाई प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी आ सकती है ना, आ सकती नहीं आ सकती है? स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट है इसका असली वर्ड. स्टेटमेंट अभी लिखवाया भी था, जिस आधार पर आपने ऑर्डर दिया है या डिक्री दिया है. यू कैन कॉल इट रीजन ऑफ द डिसीजन, रीजन ऑफ डिसीजन. अब डिसीजन किन किन चीजों में देना पड़ता है? या तो ऑर्डर में या डिक्री में. डिक्री जजमेंट के बाद आती है, ठीक है, डिक्री जजमेंट के बाद आती है. कितने दिन बाद? 15 दिन बाद आ जाएगी. ओके, आगे चलते हैं. नाउ आगे चलेंगे तो इसका आंसर तो हमने लगाई दिया, सी हो गया. ओके, नाउ अ जजमेंट कंटेन्स व्हाट? जजमेंट के अंदर क्या होता है? जजमेंट में चार चीजें होनी चाहिए, वैसे चार चीजें होनी चाहिए. अगर जजमेंट स्मॉल कॉज कोर्ट की है तो दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, दो चीजों से काम चल जाता है. कोई बता सकता है मैं क्या चार चीजें कह रहा हूँ? पहली चीज कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस है, क्या केस क्या है. डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटरमिनेशन, क्या चीज डिसाइड होना है, एंड द रीजन देयर ऑफ. देखो दो चीजें इसमें आ गई है, ठीक है, डिटरमिनेशन और रीजन. और अल्टीमेटली क्या होगा लास्ट में, क्या रिलीफ दिए कोर्ट ने, ठीक है, वो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो भी होता है, द पॉइंट फॉर डिटरमिनेशन. तो ये तीनों चीजें तो आंसर ठीक ही है. आंसर इज डी, समझ में आ गया. लेकिन अगर स्मॉल कॉज कोर्ट है, छोटी मोटी लघु उद्योग कोर्ट है, तो उनमें क्या हो सकता है? एक तो आपका पास स्टेटमेंट होगा और रिलीफ होगी, यानी डिसीजन होगा, दो चीजें होंगी बस, ठीक है. आगे चलते हैं. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसीएलआर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कभी पढ़ा है इसको आपने? हाँ जी, कभी एम्फसाइज करके एलआर की डेफिनेशन पढ़ी है? 211 में. हाँ जी,
अरे सेक्शन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या आपने इसको डिटेल में कभी जाके पढ़ा है? जब बेरेक्ट से ही पढ़ा है। इसमें तीन चीजें हैं, अंडरलाइन कर लेना अपने बेरेक्ट में तीन चीजें, ठीक है? पहली बात, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होता है, सेक्शन 211 में बता रखा है। तीन चीजें हैं, अब मैं वो तीन चीजें क्या है, बेरेक्ट खोली अपना। मीन्स अ पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट, पहला पॉइंट जो स्टेट को, संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और ये वर्ड स्टेट क्यों यूज किया है, प्रॉपर्टी से वाइडर टर्म होता है स्टेट। पहला पॉइंट, पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, जो मर चुका आदमी है उसकी संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है पहला इंसान। दूसरा कौन है, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स, ठीक है, इंटरमेडल्स, ठीक है, इंटर लिखना फिर मेडल्स लिख लेना, मेडलर्स, ओके। ये कौन होता है, इंटरमेडल कौन होता है, कौन बताएगा? हाँ जी, हु इज इंटरमेडल्स? हाँ जी यामनी, एजेंट होगा क्या? एजेंट नहीं होता, ठीक है, इंटरमेडल्स होता है, चाहे वो ऑथराइज हो या अनऑथराइज हो, वो इन्वॉल्व हो जाता है प्रोसीडिंग में, इन्वॉल्व। अभी आप इसको इतना ही समझिए, मैं केस के साथ बताऊंगा ये सारी चीजें, क्योंकि मैं अभी ये केस बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक केस था इस पर वैसे। अब जैसे मैं एक केस बताता हूँ, सपोज कीजिए, चलो बता देता हूँ, टाइम वैसे ज्यादा लग जाएगा, मुझे लगता नहीं हम 150 क्वेश्चन कर पाएंगे। एक केस था जिसमें एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था। हस्बैंड ने सूट डाला था, पोजेशन के लिए, हस्बैंड ने दावा डाला पोजेशन का, लेकिन हस्बैंड का, अब इसके पोजेशन के अगेंस्ट, इसका अगेंस्ट में डिसीजन आया था हस्बैंड के, इसके फिर अपील करी इसने जब अपील करी कोर्ट में, तो इस हस्बैंड का अबडक्शन हो गया, अब जब अबडक्शन हो गया तो अब ये सूट कौन, इसका ऐसा तो है नहीं इसका अबडक्ट हो गया, सूट आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब सूट आगे बढ़ेगा तो अब कौन आएंगे रिकॉर्ड्स पे? एलआर आएंगे, लेकिन कौन से एलआर होंगे? वो इंटरमेडल्स हो सकते हैं, ठीक है? इन लोगों को इंटरमेडल्स कहा कोर्ट ने कि भैया ठीक है, अब तो वाइफ और सन को आना ही पड़ेगा, ठीक है, अब तो वाइफ और सन को आना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड तो हो गया अबडक्ट, ओके, इंटरमेडल्स। और एक और वर्ड आगे यूज हुआ है, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। जब पार्टी मुकदमा करती है, सूज एंड सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब देखो ये क्या होता है, एक माइनर है, कैन अ माइनर फाइल अ सूट? नो सर। उसके भी आप पे कौन करेगा? नेक्स्ट फ्रेंड गार्जियन कर सकता है, और नेक्स्ट फ्रेंड कर सकता है, नेक्स्ट फ्रेंड भी गार्जियन ही होते हैं, ठीक है, एक तरीके का नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन, ये करेगा ना। लेकिन अगर बाद में माइनर मर जाता है, सूट इंस्टीट्यूट हो चुका, माइनर मर गया, आप कौन आ जाएंगे रिकॉर्ड पे? गार्जियन आ जाएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली मामला आ जाएगा लीगल का इस पे, एलआर पे। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। अब पढ़ना इसको ध्यान से, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गो इन, क्योंकि 150 क्वेश्चन नहीं होंगे, तो तीन चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है? अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कौन हो सकता है, ये जो यहाँ पे लिखा भी नहीं है, और कौन हो सकता है? हाँ जी यामिनी बताइए जल्दी से, कमान एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब एक बात बताओ, एक इंसान मैं हूं, ठीक है, इंद्रजीत, जरूरी है कि भाई मैं, मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मेरे बेटे को या बेटी को जाए, क्या ये जरूरी है? हाँ जी, ट्रांसफर ही, क्या मैं वसीयत नहीं बना सकता क्या? विल भी तो बना के मर सकता हूँ, वो तो मेरा जो लिगेटी होगा, जो मेरा लिगेटी होगा वो मेरा एलआर होगा, नहीं होगा? हाँ जी, अरे समझो, सीपीसी इतनी आसान नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, जिसको समझ में आ जाए कोई भूलेगा भी नहीं जिंदगी भर, ठीक है? नाउ आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 ऑफ द सीपीसी मींस अ पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ द पार्टीज। अरे रिलेटिव नहीं चलेंगे क्या, मेरे मामा मेरे एलआर है क्या?
आंसर इज नो. को-शेयरर ऑफ द बैंक, अब ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन मेरे को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन ये पूछा गया है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ. यहाँ वर्ड लिखा है को-शेयरर ऑफ द बेनिफिट, एज्यूमिंग द पार्टीज टू द सूट. अभी को-शेयरर पे बात करते हैं, पहले एक और देख लेते हैं. हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, ये तो हो गई, ये तो हमने पढ़ा ही है, तो ये तो आंसर हो ही गया. अब क्वेश्चन में दे रखा आंसर सी, क्वेश्चन का आंसर दे रखा सी, लेकिन मैं इसको भी मानता हूं, इसका आंसर मैं बताता हूं क्यों. को शेयर ऑफ द बेनिफिट्स एज्यूमिंग टू द पार्टीज ऑफ द सूट. अब एक बात बताइए, एक घर है, ये घर है, ये ए है और एक बी है, ये दोनों क्या है, ब्रदर है. चलो ये वो क्वेश्चन नहीं है, इसको मींस प्रॉफिट पे जाना पड़ेगा, बहुत डिटेल में चले जाएंगे, ये मींस प्रॉफिट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है. वैसे चलो मैं अब ये क्वेश्चन मैंने बनाई दिया तो मैं समझा ही देता हूँ, वैसे इसका आंसर सी ही है, ठीक है, इस सिचुएशन में सी ही है. को शेयरर की जो बात मैं कर रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल था, मींस प्रॉफिट से संबंधित है. अब आप मुझे चलो मींस प्रॉफिट की बात आई है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते, आपका मींस प्रॉफिट जो है कॉन्सेप्ट वो बहुत डिटेल में क्लियर हो जाएगा. ये ए और बी दो ब्रदर है. अब ये दो ब्रदर जो है, मान के चलो ये पार्टीशन मांग रहा है एक ब्रदर, कि भैया इस मकान से मुझे पार्टीशन चाहिए, और ये पोजीशन जो है कुछ ज्यादा पार्ट वाला पोजीशन बी के पास है, ज्यादा पार्ट वाला पोजीशन बी के पास है, ठीक है, ज्यादा पार्ट वाला पोजीशन बी के पास है. तो जो ज्यादा पार्ट वाला पोजीशन बी के पास है, क्या ए जो है बी से क्लेम कर सकता है मींस प्रॉफिट? हाँ जी, कौन बताएगा? रॉन्गफुल पोजीशन में तो नहीं है ना, ये तो मैंने सिचुएशन दी, ये तो आपको जजमेंट लिखनी है. ए और बी बोथ आर ब्रदर्स, ठीक है, और ए की एक प्रॉपर्टी है, मान के चलो ये जो मकान है ये 1000 स्क्वायर यार्ड्स का है, ठीक है, एक स्क्वायर ए 1000 स्क्वायर यार्ड्स का है. अब बी ए के कब्जे में जो प्रॉपर्टी है वो है 300 स्क्वायर यार्ड्स, और बी के कब्जे में है 700 स्क्वायर यार्ड्स, बी के पास तो ज्यादा है. इसने सूट फाइल करा, ए ने सूट फाइल करा है पार्टीशन का. अब जब सूट इसने पार्टीशन का फाइल करा होगा तो क्या ए बी से मींस प्रॉफिट भी मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि बी के पास तो प्रॉपर्टी 700 गज है, बी के पास तो प्रॉपर्टी 700 गज है, वो 700 गज यूज कर रहा है. अगर मुझे हिस्सा मिल गया होता तो मैं 500 यूज करता, तो वो 200 गज ज्यादा यूज कर रहा है, तो 200 गज जो ज्यादा यूज कर रहा है वो मेरे हिस्से की यूज कर रहा है, तो क्या मैं मींस प्रॉफिट लूंगा? नहीं लूंगा सर, नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे वो रॉन्गफुल पोजीशन में तो नहीं है ना, वो तो वो कब्जे में किसकी होनी चाहिए थी, वैसे ए के होनी चाहिए थी ना. हाँ जी सर, लेकिन वो जॉइंटली मिलकर उस प्रॉपर्टी के ओनर थे ना, अभी पार्टी अभी डिमार्केशन नहीं हुआ था प्रॉपर्टी का. हाँ जी बिल्कुल सही, देखो मेरा काम है आपको घुमाना, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना, आपका आंसर है दोनों का ठीक, क्योंकि ये रॉन्गफुल पोजीशन में नहीं है बी, ठीक है, ये दोनों अभी कौन है, ये जॉइंट जॉइंट और ये को ऑनर है ना, ये को ऑनर कहते हैं इनको, तो दोनों को ऑनर है. तो को ऑनर जब तक इनका पार्टीशन ना हो जाए, जब तक इनका पार्टीशन ना हो जाए, दे कैन नॉट बी कंसीडर एज इन अ रॉन्गफुल पोजीशन. इज दैट क्लियर? यस सर. अगर पार्टीशन हो गया और उसके बाद बी ने ए की जमीन को भी हत्या लिया है किसी तरीके से, तो बी जो है, तो फिर ए बी से या बी ए से तब मांग सकता है वो मींस प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर, इतनी डिटेल में हम जाएंगे तो क्या क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे? चलो कोशिश करते हैं जल्दी को एक करने की, क्योंकि माइंड में जब चीजें आ जाती है ना पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरे को लगता है ये भी बता देना चाहिए. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 211 ऑफ द सीपीसी. कौन कौन नहीं होंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कौन कौन नहीं होंगे, एलआर कौन कौन नहीं होंगे, कौन नहीं होगा? एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये ड्यूली प्रॉपरली अपॉइंटेड अगर होंगे, अगर ये प्रॉपरली अपॉइंटेड होंगे तभी माने जाएंगे ये, ठीक है. तो यहाँ लिखा नहीं है अपॉइंटेड प्रॉपरली, ऑफिशियल असाइन ही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा कौन एलआर नहीं है, चलो ये अंडरस्टूड है कि प्रॉपरली अपॉइंटेड माने गए हैं, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पे, प्रॉपरली अपॉइंटेड बाय दी
जिसने अपॉइंट करके गया है, इट शुड बी लीग प्रॉपरली अपॉइंटेड. लेकिन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर नहीं होता. रिसीवर कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट करता है. तो क्या एलआर है वो? नो, बिल्कुल नहीं होगा. तो आंसर इज बी. हिंदू कोपार्सनरी क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है? यस सर. अरे बिल्कुल होंगे. ठीक है, इक्वल राइट होता है. रेसिडुअरी लीगेटीज, ये देखो वर्ड आ गया लीगेटीज. लीगेटी कौन है? विल वाली सिचुएशन. ठीक है, क्या पता वो इंसान अपनी वसीयत में बना के गया हो कोई. तो आंसर इज बी, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा. कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सीपीसी मींस कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा अंडर सीपीसी में? को शेयरर ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग टू द पार्टीज ऑफ द सूट नहीं होगा. ठीक है, अ पर्सन, अब को शेयरर को ऐसे समझ सकते हैं, को शेयरर क्या एक पार्टनर और दूसरे पार्टनर आपस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है क्या? अरे क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर ये दोनों पार्टनर एलआर होंगे क्या? दे आर एजेंट बट नॉट, दे आर एजेंट बट नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इज दैट क्लियर? हाँ जी. अरे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है? नहीं होता है. यस सर. यस सर. क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी होता है? नो सर, एजेंट एजेंट होते हैं वो, और कन्फाइंड टू द बिजनेस ओनली. जो बिजनेस कर रहे हैं उसी लिए वो एजेंट है. अगर मेरा मैं मर गया और मेरा जो दूसरा पार्टनर था, तो क्या वो मेरी सारी संपत्ति को भी देखेगा क्या? नहीं. और यहाँ वर्ड क्या लिखा है एलआर में? एस्टेट. एस्टेट इज अ वाइडर टर्मिनोलॉजी. नाउ आगे चलते हैं. लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर द सीपीसी मींस ये नहीं होगा. हाँ जी, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट the estate of the deceased, जो मर गया उसकी संपत्ति. क्या मेरा पार्टनर मेरी संपत्ति को देखेगा मेरे मरने के बाद? अरे बिजनेस ही तो संभालेगा बस, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो मेरा एलआर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? मेरे मामा, मेरे भांजे, मेरे रिलेटिव क्या मेरे एलआर है? आंसर इज नो. ठीक है, आंसर इज बी. हाँ जी, आगे चलते हैं. ए मर जाता है और छोड़ के जाता है एक्स को, अपने बेटे को, और मैरिड डॉटर को. तो ए के लीगल एलआर कौन कौन होंगे? बोथ एक्स एंड वाई, दोनों होंगे. ठीक है, ए फाइल द सूट. ए अ सूट फाइल बाय ए आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यूड बाय. अरे मर गए ना, एलआर को रिकॉर्ड पे लाना पड़ा. अच्छा एक बात बताइए, एलआर को रिकॉर्ड पे लाने का समय कितना है? टाइम 90 डेज. ये तो पता ही होगा, अभी कल परसों बात करी थी. Yes, sir, कल. हाँ जी, 120. हाँ चला गया आंसर. आंसर इज डी, एक्स एंड वाई बोथ आर एलआर. एलआर एज डिफाइंड अंडर 211 ऑफ द सीपीसी डज नॉट इंक्लूड. क्या नहीं होगा? नेचुरल लीगल हेयर्स तो होंगे ही होंगे. लीगेटी हु ऑब्टेन्स ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, बिल्कुल होगा. जरूरी थोड़ी ना है कि वो पूरा वसीयत. एक होता यूनिवर्सल लीगेटी, जिसको पूरी संपत्ति दे गया वो अपना. ठीक है, एक होता रेसिडुई, जिसको थोड़ा सा दिया गया है आदि अपने. अच्छा मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लॉ में कितनी वसीयत बनाई जा सकती है? क्या वसीयत का पूरा हिस्सा, पूरी की पूरी वसीयत अननोन को दी जा सकती है? वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, क्या मुस्लिम अपनी सारी संपत्ति किसी भी अननोन को ट्रांसफर कर सकता है वसीयत में? आंसर इज नो. उसको अपने लीगल, जो लीगल हेयर्स हैं, क्या उसके लिए कुछ रखना पड़ेगा? नहीं रखे पड़ेगा, रखना पड़ता है. लेकिन क्या हिंदू में ऐसा है? आंसर इज नो. हिंदू में सारी संपत्ति दे दो किसी को भी, ठीक है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये बात अच्छी है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है. सही है गलत है? अपने बच्चों के लिए जो मुस्लिम ने पैदा किए हैं उनके लिए, लीगल हेयर्स के लिए कुछ रखना पड़ता है, सारी संपत्ति वसीयत में नहीं दे सकता. Am I clear? Yes, sir. मुस्लिम लोग तो पढ़ा होगा सर, लेकिन वही है ना, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं उसमें. ये मतलब क्या उसमें ये नुकसान बताओ सर, अगर मतलब अगर बच्चों को 100% पता होगा कि हाँ हमें तो प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो वो थोड़े इर्रेस्पॉन्सिबल रहेंगे. हाँ जी बिल्कुल. अब ये मान के चल लो, वो क्या नाम है सलमान, कौन से किसका बेटा है वो, आर्यन, शाहरुख का. हाँ ठीक है, शाहरुख का बेटा है ना, पता चल रहा है सबों को क्या हो रहा है.
तो बेचारे अय्याशी उड़ा रहे हैं, पता है पिता तो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा ही, कितने 5,000 करोड़ रुपए की तो संपत्ति ऑफिशियली डिक्लेयर है बादशाह, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, खान बोलते हैं, शाहरुख खान, अरे शाहरुख खान नहीं उसको कुछ बोलते हैं, उसका नाम क्या है, तकिया कलाम जो सब यूज करते हैं, बादशाह बोलते हैं क्या, बादशाह, यस सर, बादशाह नहीं वो बादशाह मूवी करी थी ना, तब से वो बादशाह ही है, पता नहीं क्या बोलते हैं खान से, चलो कोई बात नहीं, जो भी बोलते हैं हमें क्या उससे, तो 5,000 करोड़ की संपत्ति तो उसकी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है और पता नहीं कितनी इलीगल होगी। Now LR as defined 200 section 2 का 11 of the CPC does not include, क्या include नहीं होगा, donee of the suit property, क्या include नहीं होगा, person who is neither, जो LR भी नहीं है nor intermediary है, देखो word आ रहा है ना, ये याद रखना, emphasize करना इस पे word भी, with the estate of the deceased, D answer है, ठीक है। Now which of the following section of the CPC means profit कहाँ दे रखा है, 212, आगे चलते हैं, section 212 of the means profit, the property are profit received by the person in wrongful possession, ध्यान रखना है, question अच्छा है, ठीक है, ऐसे तो simple सही है, means profit, profit earned by mission, ये क्या है, very minimum profit, ये क्या बात हुई, पहली बार सुन रहा हूँ नाम word भी, profit received or could have been received, ठीक है, would have been received by किसके द्वारा, जो इंसान wrongful possession में है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो प्लेंटिव है जो सूट फाइल किया, क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट देखते हैं, डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट, प्लेंटिव, अरे डिफेंडेंट, ठीक है, जो रॉन्गफुल पोजीशन में वो कितना प्रॉफिट कर सकता था, ठीक है, जो रॉन्गफुल पोजीशन में है वो कितना प्रॉफिट उसको आया या कर सकता था विद द ऑर्डिनरी डेलिजेंस, ठीक है, प्लेंटिव का नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, प्लेंटिव तो कह देगा, प्लेंटिव तो कह देगा कि मैं इस दुकान पे, अगर ये मेरे पास दुकान हो, मेरे पास ये जमीन का पोजीशन होता तो मैं यहाँ 5-star होटल खड़ा करता और मैं खरबोपति हो जाता, तो खरबो पैसा मिलेगा क्या मीन्स प्रॉफिट में, हाँ जी समझ में आ रहा है, लॉजिक लगाइए और जादू देखिए। अच्छा मीन्स प्रॉफिट में क्या इंटरेस्ट मिलता है, यस सर मिलेगा, कितना मिलेगा, 6%, अगर कहीं डिफाइन नहीं है तो 6%। Now which of the following pair is not correctly meshed under CPC section, ये ठीक है, ये ठीक है, 211 ठीक है, means profit 212 होना चाहिए था। आगे चलिए, the property received during the wrongful possession over the property is, oh sorry, profit है not property, profit received during the wrongful possession over a property is means profit, ये word कभी सुने है, casual profit, actual profit, conditional profit, आसान सा question है, means profit is defined at 212 of the code of the CPC means those profit which the person in a wrongful possession of such property, अब देखो यहाँ word मैंने आपको कहा था actually received जो करता है वो, या might have received together with the interest, okay? तो यही आंसर होगा, आगे के ऑप्शन आप चाहे पढ़ लीजिए अपनी तसल्ली के लिए, property actually received include the profit due to the improvement, अच्छा एक चीज और है यहाँ पढ़िए, property actually received including profits, क्या लिखा हुआ है, due to improvements, मैंने अभी आपको कहा था ना उसने चैनल बना लिया था या उसने होदी बना ली थी ताकि पानी बहेगा वहां से खेतों में पानी जाएगा, इंप्रूवमेंट इंक्लूड होगा, द आंसर इज नॉट, answer is no, such property actually received might have been received but without any interest, अरे interest तो मिलेगा, अभी अभी बात करी है, तो answer is A. Now which of the following of the section of the CPC defines order, order कहाँ दे रखा है, order 14 में है, now under CPC of the adjudication of the court which is not a decree, कौन से decree, नहीं है, order, summon, rule, अच्छा rule क्यों decree है, under CPC an adjudication of the board which is not a decree, कौन से decree नहीं है, which is not a decree, order is not a decree, ठीक है, order is not a decree, क्योंकि साफ साफ लिखा है, code includes rules, summon is a decree, judgment is a decree,
ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है वैसे. ठीक लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? सर कुछ गड़बड़ तो लग ही रहा है. Which is not a degree. ये ऐसे उठा के बना दिया क्वेश्चन. ठीक नहीं है. समन का डिग्री होते हैं ये तो मैंने आज पहली बार देखा है सर, क्योंकि जजमेंट भी तो डिग्री नहीं होती है. हाँ जजमेंट रीजन होता है. रीजन और स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट कोर्ट देती है ऑन द ग्राउंड्स. ये गलत है क्वेश्चन, काटा लग गया इसमें. सर दे शुड हैव मेंशनड द प्रॉपर सेक्शन जो जिसमें डिफाइन किया हुआ है कि ऐसा है ही नहीं. ऑर्डर इज नॉट, सर है एक ऑर्डर इज नॉट अ डिग्री कहीं है शायद लिखा हुआ. नहीं ऑर्डर इज नॉट अ डिग्री तो वो उसी में लिखा है ना, ऑर्डर में लिखा है 29 में लिखा 214 में लिखा है. वो तो साफ साफ लैंग्वेज ऑर्डर की बताती है. ऑर्डर क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ डिग्री. वो तो साफ लिखा ही है. तो या तो यहाँ से नॉट हटाइए, ये हटेगा यहाँ से, है ना. अब ठीक है पर क्वेश्चन में सेक्शन सेक्शन मेंशन कर देते तो 214 तब ये करेक्ट रहता. नॉट अ डिग्री कौन सी, एक मिनट, में कौन सी डिग्री नहीं है, ऑर्डर डिग्री नहीं. चलो थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है. नॉट अ डिग्री वैसे अगर देखा जाए बेस्ट क्वेश्चन अगर आपको लगाना तो ऑर्डर ही होगा. नाउ प्लीडर इज डिफाइंड इन द सीपीसी. प्लीडर कहाँ डिफाइन है? अच्छा देखो एक चीज बताना, एक होता है प्लीडर, एक होता है गवर्नमेंट प्लीडर. हाँ जी, एक होता है प्लीडर, एक होता है गवर्नमेंट प्लीडर. गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ दे रखा है? 2K7 में दे रखा होगा आई गेस. और प्लीडर कहाँ दे रखा है? 2K15 में होगा. 215. याद रखना ठीक है. अच्छा प्लीडर इंक्लूड्स व्हाट? इज इट अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट और नॉट? यस इट इंक्लूड्स. रट्टा मानना पड़ेगा पेरेंट्स को भी. ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको एम्फेसाइज किया है. ये पूछा गया है नहीं पूछा गया है? हाँ जी ये पूछा गया है. ठीक है पीछे एमसीक्यू अगर आपने करे होंगे ना स्टेट वाइज तो ये मिल जाएगा आपको. ओके नाउ प्रिस्क्राइब पीरियड. प्रिस्क्राइब अंडर 216 ऑफ द सीपीसी मींस प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स है. ठीक है वहां पे डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो रूल्स है. सोसाइटी होता नहीं है, बाय कोर्ट नहीं है, ये नहीं है, रूल्स है. ठीक है ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर? इनमें से कौन पब्लिक ऑफिसर नहीं है? जज. अब ये देखो इसमें 217 जो है इसमें कितने लोग दे रखे हैं? इसमें 8 कैटेगरीज बनाई हुई है. उन 8 कैटेगरीज को पढ़ लेना अच्छे से. सरपंच वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ हुआ है. जज इज अ पब्लिक ऑफिसर. अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये पब्लिक ऑफिसर की बात करी है, इट इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट. सर्वेंट की बात करें तो वाइडर स्कोप है, दैट इज अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी. बड़ी डेफिनेशन है वो. Now let's move further. Now the court of small cause under section 3 of CPC is subordinate to which of the following? Section 3 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है कि जितनी भी courts हैं वो subordination में किसके आएंगी? या तो high court के होंगी या district court. यानी answer होगा दोनों. Sorry ये neither हो गया ना, D. दोनों के. ठीक है. Now the court of the CPC amendment act 2002 में एक amendment हुआ था. वो कब आया था? वो भी आपकी 1st of July को आया था. ठीक है 1st July थी. अच्छा सीपीसी कब आई थी? 1st of January 1909. ये ध्यान रखना. और लेकिन ये अमेंडमेंट पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना ये वाला अमेंडमेंट. ठीक है नाउ एज प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल कोर्ट. अच्छा अब अगर आप बात करोगे, हमने दो सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 3 में देख लिया सबॉर्डिनेशन वाली बात है, सेक्शन 4 जो है सेविंग की बात करता है, 5 जो बात कर रहा है रिवेन्यू कोर्ट्स को लेके बात करता है, 6 जो बात करता है पेक्यूनरी ज्यूरिशन को बात करता है, 7 और 8 ये दोनों सिमिलर से हैं. एक जगह वर्ड यूज हुआ है प्रोविंशियल, एक जगह वर्ड यूज हुआ है प्रेसिडेंसी. एम आई राइट? ये याद रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट एक्ट अ डिक्री और ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट शैल बी क्या होगा? वो अपीलेबल होगा. ठीक है अपील हो जाती है उन मामलों की भी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 5? मैंने आपको क्या कहा? रिवेन्यू कोड है सेक्शन 5, राइट? रिवेन्यू कोड की बात करता है, लेकिन रिवेन्यू कोड अलग है, सिविल प्रोसीजर कोड में बनाई हुई कोड अलग है, दोनों का काम अलग होता है. ठीक है तो रिवेन्यू कोड इज अ पार्ट ऑफ द सिविल कोड? आंसर इज नो.
सिविल कोर्ट मीन्स द कोर्ट हैविंग द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अंडर सीपीसी बट नॉट अ रिवेन्यू कोर्ट. बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 5 को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लाइन लिखी हुई है साहब साहब. सिविल कोर्ट मीन्स द कोर्ट हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अंडर सीपीसी इंक्लूडिंग रिवेन्यू कोर्ट. आंसर इज नो. रिवेन्यू कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिविल कोर्ट. आंसर इज यस. तो मेरे को नजर आ रहे हैं 2 और 4. एक बार चेक कर लेते हैं. 2 और 4, 1 2, ठीक है. 2 और 4 है सी में. ठीक है, ओके. अब देखो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जजमेंट भी है. कौन सी जजमेंट है? अगर आपने सीपीसी को पढ़ा होगा विद जजमेंट के साथ ही पढ़ना, क्योंकि जो कोर्ट जो मामला जहां जाना है वहीं जाएगा, उसको सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर सकती है. हर एक के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई होती है या ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं. जैसे केस था गुंडाजी सितवाजी शिंदे, सुना है वर्ड? केस सुना है? यस सर. वही केस यहाँ पे अप्लाई कर लेना, उस हिसाब से समझ में आ जाएगा. ममलतदार का जो था केस, ममलतदार एग्रीकल्चर, वेदर द प्लांटिव इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ममलतदार, नॉट बाय द सिविल कोर्ट. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं क्विकली. अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी पेक्यूनरी रिजेक्शन कहाँ डिफाइंड है? 6 में डिफाइंड नहीं है, बताया गया है कि जो कोर्ट के पास जितनी लिमिट है वो उतना ही केस डिसाइड करेगा 6 में. नाउ द सीपीसी इज अ कैसा कानून है? ये प्रोसीजरल लॉ है, इट्स नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ. ऑर्डर एंड रूल इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द सीपीसी मेरली गाइडिंग है? नहीं. विल प्रिवेल ओवर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, क्या सेक्शन के ऊपर चाहेंगे वो? बताइए आंसर. Cannot override the provision section. अरे section जो है अपने आप में कहीं ना कहीं क्या है वो substantive form में बताता है चीजें कैसे होंगी, और ultimately order procedural भी है. तो it cannot override, section override नहीं कर, I mean क्या नाम है, order और rules जो है cannot override sections. The section in the code of the civil procedure can be amended by the parliament. सेक्शन सी मैंने आपको बताया अभी था, सीपीसी में जो सेक्शन है वो पार्लियामेंट अमेंड कर सकते, ठीक बात है. कहना अमेंडमेंट बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं कर सकती है, हाई कोर्ट ऑर्डर्स में बदलाव कर सकती है. कैन यू प्लीज टेल मी हाई कोर्ट ऑर्डर्स में या रूल्स बना सकते हैं, कौन सा सेक्शन है? 122 and 125. हाँ जी बिल्कुल ठीक है, याद है आप लोगों को. नाउ कैन बी, तो आंसर इसका यही हो जाएगा. Now, CPC Amendment Acts 1999 and 2002 were enacted on, इसमें मालिमत कमेटी ही थी. अच्छा बेसिकली अगर मैं बात करूँ मालिमत कमेटी जो है उसका बहुत ज्यादा रोल किसमें रहा है? सीआरपीसी के लिए रहा है. ठीक है, प्ली बार्गेनिंग बहुत सी चीजें इसमें मालिमत कमेटी ने कहा है, सिर्फ प्ली बार्गेनिंग नहीं है, ऑलमोस्ट पूरी सीआरपीसी मालिमत कमेटी की ड्राफ्टेड है. ठीक है, मालिमत कमेटी, और बाद में फिर आपने देखा वर्मा कमेटी भी आई है 2013 में. ठीक है, निर्भया इंसिडेंट के बाद संथानम कमेटी जो है वो नरसीमा कमेटी, संथानम कमेटी, अब ये सब्जेक्ट वाइज है. ठीक है, कौन सी में संथानम कमेटी? ड्यूटीज, अरे वो तो स्वर्ण सिंह कमेटी है. संथानम तो सर उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में था ना, होगा भाई याद कर लेना अभी कमेटीज के लिए. एक काम करना, आपको एक काम और मैं देता हूँ, किस सब्जेक्ट में किस कमेटी का रोल है जरूर लिख लेना, किस सब्जेक्ट में किस कमेटी का रोल है वो जरूर लिख लेना. ठीक है, ओके. तो आंसर इज बी. अरे 7 बज गए, बस लो हो गया, अभी 80 क्वेश्चन है, चलो आधे घंटे और करते हैं, कितने कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं ना इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता ही नहीं कि बैरेटा पढ़ने की जरूरत होगी. इज इट फ्रूटफुल फॉर यू? यस सर. सर एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ मैं, पूरा बैरेट करा रहा हूँ, ध्यान रखना. ये जितना भी हम कर रहे हैं ना बहुत डिटेल में जाके कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट सिंपली एन एमसीक्यू. और इससे आपके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ये समझ लो कि हमारी जैसी क्लासेस चलती है वैसे ही चल रही है, क्योंकि इट्स नॉट सिंपली एमसीक्यूज. करते हैं कोशिश, करते हैं कितने हो पाएंगे. ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अब इसमें हम पढ़ेंगे कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से संबंधित, रेस सब्जुडाइज एंड रेस जुडिकाटा. रेस सब्जुडाइज सेक्शन 10, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11. ठीक है, और जब ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे तो एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9. ठीक है, सेक्शन 9 में
अभी इसको स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, विल बी बैक विद इन टू मिनट्स, डोंट गो एनीवेयर, ओके गाइस, दो मिनट का ब्रेक है सर, ओके सर, ओके। हाँ जी, आई गेस एवरीवन इज बैक, यस सर, ओके, चलो आगे के सेक्शंस करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, एंड रेस सब्जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा, ओके, और ये तीनों ही कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेक्शन नहीं पूछेंगे आपसे, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा हरियाणा में भी, ठीक है, कि एक सेक्शन रेस जुडिकाटा का कहाँ दे रखा है, अरे अंदर से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, सेक्शन 9 में सिविल नेचर के कौन से सूट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट कौन से मामले डिसाइड करेगा, कोर्ट विल ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ द सिविल नेचर, सिविल नेचर के कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ठीक है, काफी समय हो जाता है लिखे हुए, तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, बट आपको ये पता होना चाहिए अगर वो सिविल नेचर का है तो सिविल नेचर अपने आप में इट्स अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू व्हाट सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग से वाइडर टर्म है सिविल नेचर, तो हमें ये देखना होगा कि सिविल नेचर क्या होता है। अब आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं समझा दूंगा सारा सिविल नेचर क्या है। अगर मैंने आपको बताया था इफ इट इज अ सूट जहां पे हमने फाइल किया है सूट, और मैंने ये फाइल किया कि मेरी कास्ट निर्धारित की जाए कि मैं किस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, या लोगों ने मुझे डिस्प्यूट कर दिया है कि यू आर नॉट बिलोंग टू दैट कास्ट, इज इट अ नेचर, इज दिस सूट ऑफ अ सिविल नेचर और नॉट, नो, इफ इट इज ऑफ अ प्योरली क्वेश्चन इन्वॉल्व ऑफ द कास्ट प्योरली, then it will not be a suit of a civil nature, but अगर उसमें अगर अच्छा किसी इंसान को आपने सुना होगा excommunication करना, क्या होता है ये excommunication? हाँ जी आमनी सर, exile from the जी, अरे उसको उसकी जात से निकाल देना, कास्ट से बहिष्कृत, क्या बोलते हैं, बहिष्कार या सर, हाँ, expulsion from the caste बोलते हैं, बहिष्कृत, I'm not able to get the Hindi word. बहिष्कार तो पता है मुझे, एक और होता है word. तो excommunication कास्ट से निकाल देना, ठीक है? अगर कास्ट से निकाल दिया है तो भैया इंसान ये अपना कोर्ट में जाएगा कि नहीं जनाब ये मेरा अधिकार है, मुझे कास्ट में रखा जाए, इसी कास्ट में रखा जाए, और परमानेंटली बात कर रहा है कि भाई मुझे परमानेंटली मेरा अधिकार क्यों छीन लिया, तो क्या ये जो सूट है ये सिविल नेचर का है या नहीं है? No. एक डिफरेंस ध्यान रख लेना, एक डिफरेंस है, ठीक है, अगर कास्ट से निकाल दिया गया है और वो सूट फाइल कर रहा है कि मेरी कास्ट निर्धारित कर दी जाए कि मैं तो इसी कास्ट में हूं, तो ये जो अगर परमानेंटली वर्ड यूज हो रहा है वहां पर क्वेश्चन में, परमानेंटली, परमानेंटली डिसाइड हो रहा है क्योंकि तो ये उसके राइट्स की बात कर रहा है, तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर हो जाएगा, सिविल नेचर। बट अगर उसको टेम्पररी हटाया गया है, टेम्पररी क्यों, क्योंकि उसने कास्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करे हैं, रूल्स और रेगुलेशन ब्रेक करे हैं, देन इट विल नॉट बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर, तो ये सिविल नेचर का नहीं होगा, टेम्पररी वर्ड में सिविल नेचर नहीं होगा, परमानेंटली जहां होगा वहां सिविल नेचर का हो जाता है। ये बहुत माइन्यूटेस्ट सा डिफरेंस है, लेकिन ये जो डिफरेंस है आपको एमसीक्यू में नहीं मिलेगा। एमसीक्यू में क्या मिलेगा आपको, सीधा सीधा लिखा होगा कि कास्ट से निकाल देना उस सूट को डिसाइड करने दे, करना करना, तो मैक्सिमम केसेस में आप वो लिखेंगे कि इट इज केस ऑफ प्योरली ऑफ कास्ट का डिस्प्यूट है, तो दैट वाई इट इज नॉट अ केस ऑफ सिविल नेचर। मैक्सिमम एमसीक्यूज में आप देखोगे इट इज नॉट अ केस ऑफ सिविल नेचर, ठीक है, वो सूट सिविल नेचर का नहीं होता है। बट मैंने आपको दोनों में डिफरेंस क्या बताया, अगर वो परमानेंटली बात कर रहा है, ठीक है, देखो ये बात है, ये परमानेंटली, ये जो वर्ड है ना परमानेंटली,
इस पे एम्फसाइज करना और टेम्पररी. अगर वो टेम्पररी है तो दैट सूट विल नॉट बी ऑफ अ सिविल नेचर. इफ इट इज अ परमानेंट नेचर देन इट वुड बी ऑफ, ठीक है, तब वो सिविल नेचर का बन जाता है. चलिए आगे चलते हैं, मिलेंगे इसी में क्वेश्चंस इस तरीके के. इन विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग टू और रिलेटिंग टू द सूट ऑफ सिविल नेचर हैज बीन प्रोवाइडेड, कहां दे रखा है? सेक्शन 9 में, ठीक है. और ज्यूरिसडिक्शन के लिए भी हम सेक्शन 9 को ही पढ़ते हैं. इफ द राइट्स और द लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, अगर कानून में किसी के राइट्स और अधिक लायबिलिटीज की बात की गई है, प्रोवाइडेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में अराइज, क्या क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, एक ने आपने एग्जाम पढ़ा ही होगा, ओबी जस्ट ईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. अगर आपका कानून में कोई राइट निर्धारित किया गया है, बताया गया है, देन देयर मस्ट बी अ कोर्ट ऑल्सो. क्या आप कहां जाएंगे भाई, कोर्ट भी तो होनी चाहिए. अगर आपका कोई वायलेशन हो रहा है आपके राइट का, देयर मस्ट बी अ कोर्ट. तो कोर्ट अगर नहीं है, कोई और स्पेसिफिक कोर्ट नहीं है, तो आप सिविल कोर्ट में चले जाइए. द सिविल कोर्ट फिर मना नहीं करेगा. तो एक वर्ड होता है एजम्पशन और एक होता है अस्टिंग द ज्यूरिसडिक्शन, अस्टिंग, ठीक है. एजम्पशन ये माना गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई और कोर्ट नहीं है तो सिविल कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि हाँ सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा. वो अस्टिंग ना करे, मतलब उस मामले को रिजेक्ट ना करे, डिसमिस ना करे. समझ में आई बात? हाँ जी. Yes, sir. Assumption और अस्टिंग दोनों contradictory words हैं. तो assumption के फेवर में है हमारी इंडिया की कोर्ट से, क्या अपेक्स कोर्ट के, जब मामला अगर मैं लेके आया हूँ कोर्ट में और मेरे पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है, सो इफ आई एम अप्रोचिंग टू द सिविल कोर्ट, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 30,000 कोर्ट में आ गया हूँ और मेरी कोई कास्ट को लेकर मैटर डिसाइड करने वाली कोई और कोर्ट नहीं है, तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि द 30,000 कोर्ट हैज टू हियर द मैटर, ठीक है. समझ में आई बात? तो राइट्स और लायबिलिटी अगर है कानून में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में अराइज, द स्टैट्यू में क्रिएट्स अ स्पेसिफिक फोरम, तो कानून फोरम भी बताएगा कि कहां एनफोर्समेंट होगी. अगर कोई मशीनरी नहीं है, इफ देयर इज नो मशीनरी इज प्रोवाइडेड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द सिविल कोर्ट, अगर कोई मशीनरी नहीं है, देन द सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन द सूट, बल्कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान कहां जाए, तो सिविल कोर्ट में जाएगा. तो आंसर इज क्या होगा, सी. इज दैट क्लियर? हां जी. एक्सप्लेनेशन को जानिए, समझिए, ठीक है. एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा, वैसे तो समझ में नहीं आएगी चीजें. लेट्स मूव फर्दर. ऑल सिविल कोर्ट्स हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर, बिल्कुल सुनेगी. अ सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट ऑफ विद देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और, अरे आधी बात लिखिए, और कहां गया, इम्प्लाइडली वर्ड कहा है, गलत. ओके. ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इम्प्लाइडली नॉट बार्ड, गलत. ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड, आंसर इज डी. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट एक्सटेंड टू व्हाट, ऑल क्लेम्स ऑफ द सिविल नेचर, बिल्कुल ठीक है. ऑल क्लेम्स ऑफ द सिविल नेचर unless their cognizance expressly implied ki baat, ye zyada uchit hai. All suits of the civil nature which by express provision of the statutory of a statutory law or by the common law fall with, ye to aisi baatein kahin likhi nahi, hata dijiye isko. Only those claims of the civil nature where no other forum authority or tribunal has jurisdiction, answer is B. theek hai. Whether the court can without exception try all the suit of civil nature, answer is no. Whether the court can without exception try all suit of civil nature, answer is no. Question itna uchit tha nahi waise. Under CPC, a litigant having the grievance of civil nature has a right to institute a suit. Its cognizance is not expressly barred, impliedly barred. Expressly or impliedly, but क्या under CPC में a litigant having a grievance of the civil nature has a right to institute a suit, has a right to institute a civil suit, its cognizance is not expressly or impliedly barred होना चाहिए. Answer इसमें ही कैसे दे रखा है, CPC में a litigant having a grievance of the civil nature has a right to institute a civil suit. Its cognizance is
ओके यहाँ पे एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली पार्ट लिखा है, नॉट होना चाहिए, ठीक है? तो आंसर इसलिए ए है. इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है, तो एक वो एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है. Now, assertion. A civil court has a jurisdiction to try all the suit of civil nature. Civil court सारे मामले सुनेगी, बिल्कुल ठीक है. The cognizance of the civil suit should be expressly barred. Should not be होना चाहिए ना, ये तो गलत हो गया. तो A ठीक है, B गलत है. A ठीक है, A is true, B is false. Okay, answer is C. Choose the true statement about the proposition. अब ये statement है, इसको देखिएगा. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature. अच्छा, इसकी explanation देखना आप. Section 9 की explanation जब आप पढ़ोगे, कितनी explanation है? दो है. अब इसको दो explanation को मैं short में समझा देता हूँ. अगर कोई suit, मान के चलिए वो religious suit है, लेकिन उसमें हमें क्या decide करना है? Property से संबंधित है, ठीक है? Property से संबंधित है, तो वो प्योरली रिलीजियस नहीं होगा, वो बार्ड नहीं होगा, उस पर मामला सिविल कोर्ट में चलेगा. ऐसे ही अगर कोई ऑफिस को लेकर है उसका, तो चाहे वो इंसिडेंटली टच रिलीजियस थिंग को कर रहा है, तो दैट विल नॉट बी बार्ड. इज दैट ओके? समझ में आया? तो अब पढ़ लेते हैं. चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन. अ सूट इन विद द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का मामला है, और टू ऑफिस इज कंटेस्टेड is a suit of civil nature, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर इसमें religious भी जुड़ा हो तो भी ये चल जाएगा, तो भी वो barred नहीं होगा, क्योंकि main question तो property का लेकर है, main question तो ये है ना, that is a main issue. अगर वो incidentally touch भी कर रहा है, incidentally touch कर रहा है किसको? religious thing को, तो इसका मतलब ये नहीं कि civil court उसको decide ना करे. हाँ जी, समझ में आ गया? अगर मंदिर की property है, मंदिर की या मस्जिद की या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो क्या वो रिलीजियस नेचर का हो जाएगा क्या? हाँ जी. नो सर. क्या सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी? नहीं करेगी. सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी. ओके. अ सूट डीलिंग विद द राइट टू एन ऑफिस इज इन अ नेचर नॉट विदस्टैंडिंग सच राइट मे बी क्या लिखा है? मे डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एज टू रिलीजियस सेरेमनीज. अ सूट डीलिंग विद right of an office would be of civil nature only when the fees are attached. ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसी तो कोई बात लिखी, फीस की बात लिखी, लेकिन only fees तो लिखा ही नहीं है. तो आंसर इसका 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है? 1 and 2. Okay, answer is A. Now for determination of objection under section 9, the court is to primarily see the averments made in किसमें होते हैं? प्लेंट में होते हैं, या किसमें होते हैं? ठीक है, प्लेंट में होंगे. तो वो तो रिटर्न स्टेटमेंट में भी होते. अच्छा, देख लेते हैं. हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या हुआ इसमें, क्या डाउट है? नहीं सर, वो मैं सिर्फ एवरमेंट्स देख रही थी, मैंने स्टार्टिंग का क्वेश्चन नहीं देखा. क्या नाम है? डिफेंडेंट भी एवरमेंट्स ही करता है. डिफेंडेंट भी कहता है, डिफेंडेंट तो ऑब्जेक्शन डालेगा ही वैसे, कि जनाब इसका तो आपका जुरिडिक्शन नहीं है, नहीं डालेगा क्या? Yes, हाँ जी. लेकिन अवर्मेंट्स के आम विद इन द जुरिडिक्शन वो सारी चीजें काम उसका है. क्या नाम है इसका? प्लेंटिफ का. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज ऑफ अ सिविल नेचर. अब ये आप मुझे बताना, वैसे समझ में आने लगा होगा. सूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी सिविल नेचर है. सूट रिलेटिंग टू वर्शिप, ये भी सिविल नेचर का होता है, ठीक है? वर्शिप, मेरा अधिकार डिसाइड हो रहा है ना कि मुझे पूजा करने का अधिकार है या नहीं है. सूट फॉर द डैमेजेस फॉर द सिविल रॉन्ग, तो ये सारे हैं हमारे सिविल नेचर के. विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर. कौन सा राइट सिविल नेचर का होगा? राइट टू शेयर इन द ऑफरिंग इन अ टेंपल, ठीक है. राइट टू टेक आउट द प्रोसेशन, झांकियां निकालने का अधिकार. राइट टू वर्शिप इन द टेंपल, पूजा का अधिकार. ऑल ऑफ द अबव सिविल नेचर के हैं. Now, which of the following is not of a civil nature? Not, ये बताना important question रहेगा. Suit relating to the worship, नहीं civil nature होता है. Suit relating to partnership, partnership का कोई dispute है, civil nature. Suit relating to the common law rights, civil nature. Suit relating to political question,
याद रखना ये नहीं होता है. पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह जो है दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ सिविल नेचर. ठीक है, ये कहाँ डिसाइड होंगे, इनके लिए क्या है, हमारे इंडिया लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल. ठीक है, दैट वुड बी वी हैविंग इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स. Now, which one of the following is not of a civil nature? Suit related to worship, बिल्कुल नेचर का है. Suit related to purely, देखो वर्ड आ गया ना, purely religious, ये नहीं होगा. Suit rent, बिल्कुल ठीक है, नेचर सिविल का है. Hereditary office, कौन बैठेगा, किसका, कौन उसको पद को संभालेगा. लेकिन अगर कोई ये बात करता है कि इस मंदिर में तो ये गुरु होंगे जी, ठीक है, महंत या फिर अचरकास, ये डिसाइड करना है, तो वो जो सूट होगा दैट विल नॉट बी ऑफ अ सिविल नेचर. ठीक है, वो सिविल नेचर का नहीं होगा क्योंकि प्योरली रिलीजियस बात कर रहा है वो. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ अ सिविल नेचर, कौन सा सिविल नेचर का नहीं है. वर्शिप सिविल नेचर, टेकिंग रिलीजियस प्रोसेशन, ठीक है, सिविल नेचर. सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट, अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी थी, ये सिविल नेचर का नहीं माना जाता मैक्सिमम केस में, लेकिन मैंने इसको आप बहुत बारीकी से बताया है. अगर परमानेंट लिखा हुआ हो कहीं जगह तो वो सिविल नेचर का होगा, अगर कहीं जगह टेम्पररी लिखा है, ध्यान रखना, क्या पता आने वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए टेम्पररी, तो ये सिविल नेचर का नहीं होता. ठीक है, तो ये सिविल नेचर का नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, याद रहेगा. सूट फॉर हेरिडरी ऑफिस, सिविल नेचर, आंसर इज सी. इसलिए नाउ अंडर सीपीसी फाइंड द करेक्ट मैच. रिवेन्यू कोर्ट ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट ठीक है, प्रेसिडेंसी 8 में आता है, पेक्यूनिजेशन 6 में आता है, ये गलत है, तो सी इसका आंसर है. नाउ सिविल कोर्ट ज्यूरिडिक्शन इज अ बार्ड इन द प्रोसीडिंग अंडर, सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है बार्ड है इन द प्रोसीडिंग अंडर. अब एक चीज आपको पता ही है, अगर कोई सिविल कोर्ट बनी है तो सिविल मामले वहां चलेंगे सिविल नेचर के, अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो उसके मामले वहां चलेंगे, तो ऐसे कोर्ट डिसाइडेड होता है. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाएगा. टैक्स के मामले इनकम टैक्स रिकवरी के पास चलेंगे, जो भी उनकी अथॉरिटीज हैं, और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के मामले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चलेंगे. तो सिविल कोर्ट वो चीज डिसाइड नहीं करेगी जो ये कोर्ट डिसाइड करेंगी. इज दैट क्लियर? हाँ जी, क्योंकि ये एक्सप्रेसली बार्ड है ना. अरे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का डिस्प्यूट डिसाइड कर देगा क्या? इसके लिए हमारे पास जब ट्राइब्यूनल बने हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है या लेबर कोर्ट्स हैं, वहां जाएगा मामला. और कैट के मामले कहाँ जाते हैं, जो सर्विस मैटर होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस मैटर, वो कहाँ जाएंगे, वो कैट में जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कहाँ दे रखा है, आर्टिकल वगैरह है कुछ, 243. अरे 323 का ए और 323 का बी. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन. और दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर अदर. ओके, एल चंद्रा याद आ गया होगा. यस सर. ठीक है, ये सारी चीजें याद करने वाली है, किस चीज में अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस चीज को कहा था वो आपको पता होना चाहिए. ओके, आगे चलते हैं. नाउ सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी डज नॉट अप्लाई व्हेन द सूट प्रीवियस सूट इज पेंडिंग. अब यहां से रेस्ट सब्सिडाइज स्टार्ट हो गया है. चलो रेस्ट सब्सिडाइज और ये रेस्ट ज्यूडिकेटा हम कल के क्लास में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. आज हो नहीं पाया, आज जस्ट थॉट कि 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन वीक था इसमें या बहुत लाइट क्वेश्चन था, ये आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है. ठीक है, रेस्ट ज्यूडिकेटा, रेस्ट सब्सिडाइज और इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे कल, बिकॉज ऑलरेडी टाइम 7:30 ऑलमोस्ट हो गया है. विल डू इट टुमारो, तो आप कल के लेक्चर्स में कवर करते हैं इसको. ठीक है गाइस.